लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शाम है गालों में भोर है, बालों में शाम है,
घर के दस बार आने ताने तंदाने पे तंदाने ताने गुरे गुरे हाथ लगे टोकरी उठाने ताने तंदाने 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 ताने तंदाने 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 ताने तंदाने 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 ताने तंदाने पे तंदाने ताने उमरिया जवान है कमरिया कमान है उमरिया जवान है कमरिया कमान है नमस्ते देवराज, मैंने बिल्डिंग का मुआयना किया है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा ख्याल है मियाद से पहले खत्म हो जाएगा। कोशिश तो कर ही रहा हूँ राय साहब, और मजदूरों को समझा बुझा के काम भी निकाल लेता हूँ, लेकिन सीमेंट की कमी रास्ते में आ रही है। तुम इसकी परवाह मत करो, सीमेंट के सप्लाई का बंदोबस्त किसी न किसी तरह किया जाएगा। अच्छी बात है राय साहब। मिस्त्री जी, कल 50 मजदूर और बुला लीजिए। 3, 5, 8, 6। देवराज बाबू, जय सियाराम। शास्त्री जी, आप तो ये कैसे आना हुआ? ये 2 रुपए लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। 2 रुपए? हाँ जी। किस बात की? मैं हर महीने पहली की पहली आकर आपको 2 रुपए दे जाया करूंगा। मैं पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने की 2 रुपए फीस लेता हूँ, मगर इस बच्चे को घर पर बिठाने की मैं आपको 2 रुपए फीस दिया करूंगा। क्या बात है, कसूर किया है? वो तो राम जाने, ये तुम जानो, मैं क्या जानू, किंतु कसूर तो मेरा है जो इस शहर में पैदा हो गया। ना मैं इस शहर में पैदा होता, ना स्कूल मास्टर बनता, ना स्कूल मास्टर बनता, ना ऐसा बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आता। देवराज बाबू, अगर मैं इससे 1 सवाल पूछता हूँ तो ये मुझसे 2 पूछता है। अगर पाठशाला में मैं 1 अगरबत्ती जलाता हूँ तो ये पाठशाला में ही 2 बीड़ियां जलाकर पीता है। बीड़ियां? हाँ जी हाँ, चोरियां बचपन में हमने भी की थी, किसी के बाग में से आम तोड़ लिए, किसी के खेत का धान काट लिया, लेकिन जेबें नहीं काटी थी। लेकिन शास्त्री जी, गुरु तो आप ही ना इसके, आपका जी चाहे तो मार मार के इसका पलस्तर उखेड़ दीजिए। राम 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 राम। देवराज बाबू, ऐसे बच्चे पर तो हाथ उठाते हुए डर लगता है, आप जिसे अपना छोटा भाई समझते हैं ना, वो आपका बाप है। आते जी बीड़ी पिलाओ। क्या कर रहे हो? हाँ मिस्त्री जी, देवराज बाबू जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप बीच में शांति रखिए। शास्त्री जी, आप क्या कह रहे हैं? बच्चा है, बच्चों से भूल हो ही जाती है। मगर मिस्त्री जी, बच्चों को भूल से रोकना भी तो बड़ों का फर्ज है। जी हाँ, चलो चलो देव, काम का वक्त हो चुका, शाम को घर लौट लू, फिर तो उसे समझूंगा। बच्चों, देवराज बाबू, मैं भी चलू या ठहरू? हाँ चलिए ना। सीमेंट के बारे में बोल दिया था ना चाचा, मेरी दाढ़ में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है, जरा कुछ तंबाकू तो ले मेरे लिए। नहीं, उस दुकान पे नहीं मिलेगा चाचा, वहाँ मिलेगा। वहाँ अच्छा, अभी लाया। ए, काम पे जा रही हो? ये काम पर जाने का वक्त है, तुम समझते हो तुम्हें कुछ देखने वाला नहीं है? अच्छा छोड़ो, एक बात सुना है तुम्हारा, सुना तो लो। तुम खाली चुने से कि मैं तिलक लगाऊंगा, तो सुपारी भी तो ना, पान भी, पान है ना तुम्हारे पास, एक पान दो। इसने, अरे पान क्या है, जैसे पीपल का पत्ता होता है, ठीक है। ये तंबाकू मैंने खाता, ये
हाँ हाँ तंबाकू तुम नहीं खाते? कुछ नहीं चाचा, वो लड़की मुझे पान दे रही थी, मैंने कहा मेरे दांत में दर्द है, मैं पान नहीं खाऊंगा। क्यों मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो देवराज? ये तो कोई आज की नई बात नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उस चंदन ने बिंदु के साथ तुम्हें देख लिया तो फिर खैर नहीं। कौन चंदन? वो जो बिंदु के घर के बाहर दुकान करता है? हाँ हाँ वही वही, बड़ा सालिम है वो, मार डालेगा तुम्हें। अरे जा जा जा, मैं खुद बिंदु के घर जाकर बिंदु की माँ से बिंदु का हाथ मांग लूंगा। क्या कह रहे हो देवराज? फर्ज किया तुमने बिंदु के साथ शादी भी कर ली तो फिर उसकी माँ और भाई का क्या होगा? वो दोनों भी मेरे पास ही रहेंगे और क्या। मान लो उन लोगों को तुम्हारे पिता के बारे में कुछ पता चल गया या और कुछ मालूम हो गया तो फिर क्या होगा? इस बात से जो मेरे दिल की हालत होती है मैं ही जानता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे बाप ने हमारे खानदान को कलंक लगाया था, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष चाचा? तुम भी तो मेरे बुजुर्ग हो, बिंदु की माँ से मेरे बारे में तुम्हें बात छेड़ो ना। अच्छा चलो। मिस्त्री भैया आओ बैठो। कहो बहन क्या हाल चाल है? भगवान की दया है। भैया मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि बिंदु के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो खबर देना, लेकिन तुम तो ध्यान ही कहाँ देते हो। ऐसा ना कहो बहन, हर काम अपने वक्त पर होता है। दरअसल एक बहुत अच्छा लड़का खुद तुम्हारी लड़की की तलाश में यहाँ आया है। सच? हाँ यही तो कहने में यहाँ आया हूँ। चाचा का बात करे तुमसे आए हैं अम्मा? बिंदिया के रिश्ते की बात है चंदन। ओह तो बिंदिया के रिश्ते की बात चल रही है। चाचा चाचा कौन है वो जिसके सिर के ताज पे बिंदिया हीरा बन के चमकेगी? तुम बैठो तो चंदन, मैं सब बताऊंगा। चाचा चाचा अगर लड़का अच्छा है तो मैं अपने हाथों बिंदिया का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। कौन है वो? कोई नया नहीं है, जाना पहचाना है। मैं देवराज के बारे में कहा। हाँ चाचा ये रिश्ता ना हुई। क्यों? उनका कहा सवाल? देवराज मिस्त्री है तो इसका ये अरत नहीं कि वो काम करे वाली लड़कियों से आग में टक्कर फिरे। अरे ओ बिंदिया इधर तो आ। देख दीदी साफ साफ बताई दे, तू वहाँ मजूरी करे जात रही या देवराज से आंख लड़ाए? तो सच बोल दे दीदी, अगर ये सच है तो अपन राम की चाय की दुकान अभी बढ़ावत और अपन शहर बनारस को जावत। तुम यहाँ ही प्रेम नाटक रहो ना चावत। चंदन जरा धीरे बोला कर, क्या मैं देखे बगैर अपनी बेटी किसी के गले में मर दूंगी? मैंने तो सुना है देवराज बहुत अच्छा आदमी है। अम्मा हम सुनी सुनाई ना मानो, पहले उसे बुलाओ। चलो बुलाओ मिस्त्री चाचा। देवराज जरा अंदर तो आना। आओ बैठो। कहो भैया तुम्हारे माँ बाप हैं? माँ तो मेरी नहीं है और बाप मेरा बाप। देखो चाचा देखो, दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा तो देवराज ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ नकदी वकदी भी है कि नहीं? नकदी तो नहीं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की दौलत जरूर मेरे पास है। पर तुम्हारी नौकरी तो पक्की है ना? चंदन मतलब की बात पूछो, उल्टे सीधे सवाल पूछकर जान क्यों खा रहे हो? सुनो चाचा, आज हम ये उल्टे सीधे सवाल सिर्फ इस खातिर पूछ रहे हैं कि देवराज ब्याह के बाद बिंदिया की जान ना खाए। देखो देव बाबू, ये बिंदिया लाखन में एक लड़की है, वचन दिया कि तुम शादी के बाद ई का सिर आग पर बिठाइयो। मैं वचन देता हूँ कि बिंदिया को अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। बस 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 अब हमका संतोष है अम्मा। बिंदु चंदन ने तो अपनी तसल्ली कर ली, तुम भी तो कुछ कहो। चाचा मेरे सामने शर्माएगी, मैं बाहर जाता हूँ, तुम पूछो। नहीं नहीं तुम यहीं बैठो, तुम्हारे सामने ही फैसला होना चाहिए। बिंदु बेटी ये गुलाब का फूल और ये चमेली का, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो इस गुलाब के फूल को छू लो, अगर मंजूर नहीं तो इस चमेली के फूल को। कितनी हद
वाली है कितनी जवान ये अंगड़ाया। ये खामोशियाँ ये बेहोशियाँ ये तन्हाइयाँ। आज तो दिल में रह जाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा। देखिए देखिए यूं ना शर्माइएगा। इधर तुम हंसे उधर चांद की नजर झुक गई। जरा तुम चले जहाँ थी हवा वहीं रुक गई। सोच के नाज फरमाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा। देखिए देखिए यूं न शर्माइएगा। जहाँ तुम रहो रहेंगी वहाँ निगाहें मेरी। चले आओ भी है कब से खुली ये बाहें मेरी। आइए आइए अब तो आ जाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा। देखिए देखिए यूं न शर्माइएगा। आइए आइए राय साहब। नमस्ते। नमस्ते। कहो देवराज, सब काम ठीक चल रहा है? सब कृपा है आपकी, खुद ही देख लीजिए ना। देखो देवराज, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम दिन रात मजदूरों की निगरानी कैसे कर सकते हो? इससे बेहतर है कि तुम मेज की नौकरी छोड़ दो और अपना हिसाब चुकता कर लो। आप क्या कह रहे हैं राय साहब, आपको इस बात का ख्याल कैसे आया? इसी नौकरी के भरोसे पर तो मैंने शादी की थी। तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो देवराज। म्यूनिसिपैलिटी की नई स्कीम के मुताबिक शहर से बाहर एक नई बस्ती बन रही है, तुम कल से वहां जाया करो। एक मेड की हैसियत से नहीं बल्कि एक ठेकेदार की हैसियत से, समझे? ठेकेदार? मैं ठेकेदार? अच्छा मैं चलता हूं। देखो देवराज भैया, किसी ने सच कहा है, जब औरत नए घर में आती है तो अपनी किस्मत साथ ले आती है। ठीक है। अच्छा बिंदु, अब मैं चलती हूँ। अरे तू उदास क्यों हो रही है? इससे ज्यादा बेटी के घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं तो बहुत खुश जा रही हूँ। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा जो ऐसा जवाई मिला। बेटी, अब उसके चरणों में ही तेरा स्वर्ग है। तेरे लिए भगवान बाद में, वो पहले। तन मन से उसकी सेवा करना। मिलो क्या? क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं? हाँ तू तो कुछ बोलेगी नहीं। भैया हम अपने घर जा रहे हैं। अपने घर जा रहे हैं? तो ये घर किसका है? देखिए माँ जी, राजू को तो उसकी भाभी मिल गई, मगर मेरे सर पे भी तो किसी बुजुर्ग का हाथ होना चाहिए। मुझे भी तो सुख दुख में आपकी जरूरत पड़ेगी। नहीं ऐसी बात नहीं देवराज, मेरी अपनी माँ जिंदा होती तो मैं जिद ना करता। पर देखिए ना माँ जी, मैं तो दिन भर काम में लगा रहूंगा, मेरे पीछे इस संगमरमर की गुड़िया को कौन संभालेगा? अच्छा अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो मैं नहीं जाऊंगी। बस तो ये बात हुई ना, जाइए आराम से बैठिए।
ये सब तेरी शरारत थी ना, दो मन का सर हिलाएगी मुंह से कुछ निकलेगी। अरे मैं तेरी माँ से ठहरने के लिए कह रहा हूँ, माँ तो तेरी है, मेरी तो नहीं है, मेरी तो सिर्फ सास है और वो भी नई नई। तुझे भी तो उन्हें रोकने के लिए कुछ कहना चाहिए था। जरा ठहर, छोटे देवराज जी को आ लेने दे, फिर पता चल जाएगा घर में माँ की कितनी जरूरत होती है। कभी कहेगी हाँ देखो जी मेरे चावल गिरा दिए, देखो ना मुझे फिर रसोई नहीं करने दे, तो आप भी तो इसे संभाल कीजिए ना। अरे कहाँ जा रही, तुम लोग यहाँ क्या करो, चलो आओ यहाँ से। बिंदु राम को ख्याल रखा करो, सारा वक्त घर में निकम्मा ना बैठा रहा करे। नहीं भैया कल से काम करके कमाऊंगा। काम करेगा और कमाएगा बच्चों जी, कल को स्कूल में जाना पड़ेगा। कौन सी जमात में पढ़ता था? चौथी में। मैं शास्त्री जी के पास ले जाऊं और तुझे पांचवी में बिठा दूंगा। अच्छा जाओ, 1 2 3 भागो। ये रो रही है, क्या सुन, दो मन का सर हिलाएगी मुंह से नहीं बोलेगी। चंदन बोला जी, एक प्याला चाय दो। नहीं जी। अरे नहीं क्यों, पैसे दिखाओ जी। पैसे तो आज नहीं, पैसे तो आज नहीं, चले आवा था रोज चाय पिए। खैर आज चाय पी लियो, कल हमार पैसे जरूर दे देना। चंदन अमर तुमने दुकान खोली है या धर्मशाला? उधार में लोगों को चाय तो पिलाते ही हो, ऊपर से नगद भी दे देते हो। अमा मैं कह देता हूँ इनमें से कोई तुम्हें एक गमड़ी वापस नहीं देने वाला। जनाब कमाल साहिब हम तो ई जानित हैं, कर भला सो हो भला, यहाँ नहीं देंगे तो एक दिन वहाँ जाकर बड़े सरकार के सामने सूद के साथ भरेंगे। अमा ये बात है पहले बताना था, हम आज तक हम तुम्हें नगद देते रहे। अरे साहिब हम तुम्हें जानित हैं, तुम जान भी मांगो तो तुम्हारे लिए हाजिर है। तो इसी बात पे एक चाय पिला दो हमें भी। हाँ एलियो एलियो। बाबूजी आओ आओ रामू। कहो कैसे आए? भाई साहब ने नई बिल्डिंग का नक्शा मंगवाया है। हाँ समझा समझा। राय साहब खाना खा रहे हैं, तुम थोड़ी देर इधर ही बैठो, वो आके तुम्हें देंगे। अच्छा बाबू। राजू ये क्या चोरी करते? तुझे क्या, तू अपना काम कर, तू देख थोड़ी रहा। देख ये अच्छी बात नहीं, ये चोरी पकड़ी जाएगी तो तेरे साथ मेरा नाम भी लग जाएगा। भैया तुझे खाना कपड़ा सब कुछ तो देते हैं, फिर तू क्या इस नोट को लेकर चाटेगा? देख सीधी तरह मान जा, वरना मैं अभी शोर मचा कर राय साहब को बुला लूंगा। राय साहब राय साहब। जो करना कर ले, मुक्का देखा ना। रामू क्या कर रहे हो यहाँ? जी नमस्ते राय साहब। नमस्ते। भाई साहब ने भेजा है नई बिल्डिंग का नक्शा मांगा है। ओ नक्शा। ये लो, और भाई साहब से कहना काम पर जाने से पहले मुझसे मिलते जाए। जी कह दूंगा। ए राजू इधर। क्या भैया? देख मेरी बात का सीधा सीधा और साफ साफ जवाब देना, वरना आज तेरी जान की खैर नहीं। राय साहब के घर गया था? गया था। क्या हुआ वहाँ? बोला क्या था भैया? तूने उनकी मेज की दराज में से पैसे निकाले? मुझसे क्या पूछते हो भैया, किसी चोर से पूछो। चोर से पूछो लुच्चे से मत। फिर करे बेचारी। नहीं फिर कभी करेगा। बस करो जी, मैं कहती हूँ बस करो। इस बेहीने से बच्चे को क्यों मार रही हूँ? क्या किया है इसने? छोटे भाई पर इस तरह हाथ उठाया जाता है, अगर इसने कुछ कसूर किया तो क्या मारपीट से सुधर जाएगा? फूल सा बच्चा है, अगर इसे कुछ हो जाए तो इतना प्यारा भाई आपको कहां से मिलेगा? छोटे बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, क्या इतनी सी बात भी नहीं समझते आप? सुना नहीं किस तरह माँ माँ कहकर चिल्ला रहा था? अगर आज इसकी माँ होती तो आपको इस तरह हाथ उठाने देती? जब तक मैं जिंदा हूं याद रखिए आपने इसको हाथ भी लगाया, इसके अच्छे बुरे के जिम्मेदार मैं हूँ, आपका इससे कोई वास्ता नहीं। तू तू तो बोल सकती है, तेरी मुंह में जुबान है, है?
रामू जा जल्दी से एक नारियल ले तेरी बहन के सामने फोड़ू ताकि इसको नजर ना लग जाए। अरे तू तो ऐसे चिटाख चिटाख बोल रही थी जैसे दुकान में पड़े हुए पटाखे अपने आप छूट पड़े। माफ कीजिए, यूं ही बोलती चली गई। अच्छा इतना कुछ यूं ही बोलती चली गई? थोड़ा थोड़ा और बोल के दिखा। बोले बोले बोले। छोड़िए ना, मुझे मुझे कहाँ बोलना आता है। अरे मैं कहता हूँ इतना अच्छा तो राय साहब भी नहीं बोल सकते। लेकिन देखो साफ बात है, जब तुम इस घर में आई थी तो मैंने सोचा था कि शरारत की जड़ राजू को सुधारने की कोशिश करोगी, लेकिन तुम तो उल्टा उसको सर पे चढ़ाने लग गई हो। एक ये तेरा भाई है रामू, उस कमबख्त ने की चोरी, इसने किया उसको मना, ये फर्क है इन दोनों में। इसका ये मतलब है कि रामू बहुत होशियार है ना। मैं कहती हूँ जो बच्चे चंचल और शरारती होते हैं वो बड़े होकर बहुत अच्छे निकलते हैं। लेकिन बच्चों को बड़ा होने में कौन सी देर लगती है। खैर आज से रामू मेरे दिल में समा गया है, मुझे उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। वो तो आप जाने और आपका काम, लेकिन आज से राजू मेरा भैया है और इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ए बेईमान सुअर कहीं के, चल बाहर। चुप रहो जी, चलो राजू। जैसी करतूत वैसी सूरत, बंदर कहीं का। फिर वही बात, चंदा है चंदा। ओ चंदा है। हाँ। अरे वाह रे मेरे चंदा। रामू भाई साहब यहाँ तशरीफ लाइए, हाथ मिलाइए हमारे साथ। धर्म गुस्सा नहीं सिखाता, जब कभी गुस्सा आए तो एक से दस तक गिनती करो, गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। ए रामू सुबह सुबह क्या शोर मचा रहा था, सोने देगा कि नहीं? रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना सेहत की निशानी है। देख रामू अगर नहीं मानेगा तो दीदी को बुलाता हूँ। किसी की चुगली करना महापाप है। अरे सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, राजू पति क्यों बुझा रहे, सुबह नींद क्यों खराब कर रहे। राजू 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 क्या बड़े बगैर बात नहीं हो सकते, अब तो ये भी कहकर खाना खाए बगैर भूख नहीं मिल सकती। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते हो, रामू राजू एक दूसरे की बात नहीं मान सकते? हाँ मान सकते हैं, एक शर्त है, मैं पढ़ना छोड़ दूँ। छोड़ दूँ? पढ़ाई छोड़ने के लिए कौन कहता है, लेकिन मुझे नींद आ रही है। तो महाशय जी आप ऊपर जाकर सो जाइए ना। ये क्यों जाए, तुम ऊपर जाकर नहीं पढ़ सकते? हाँ मुझे मालूम था तुम भी इसी की तरफदारी करोगी, ये तो खैर क्या पढ़ेगा, मेरी पढ़ाई का भी सत्यानाश करेगा, इससे कोई कुछ नहीं कहता। बस बस तुम जाओ ऊपर। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। राजू अब क्या सोएगा, 8 तो बज गए, कॉलेज जाने की तैयारी कर, उठ उठ ना। अच्छा भाभी जाओ। डैडी शाम को गाड़ी याद से भेज दीजिएगा। जरूर भेज दूंगा, चलो ड्राइवर। टैगोर की गीतांजलि आपके पास? जी नहीं साहब। मेरी बात है कल लेती आऊंगी, पढ़ कर वापस कर देना। क्यों सुन लिया जवाब रमा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुम हर रोज उसके साथ बात करने की कोशिश करती हो लेकिन वो तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता, इससे तो अच्छा है एक प्यार भरा खत उसके नाम लिख दो, चाहे तुम पर तरफ खा जाए। पुष्पा कभी चुप ही रहा कर। रमा क्या बात है, किस किताब की जरूरत है, कहो तो मैं ले लूं। कीमत वीमत का फिक्र बिल्कुल मत करना, आजकल अपनी दोनों जेबें भरी रहे। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, उसकी कीमत मैं दे दूंगी। जी कीमत आपने दी या मैंने दी एक ही बात है। हाँ एक नई किताब निकली है, लव्स प्रेजेंट्स मोहब्बत के तोहफे। अच्छा हाँ। तुम्हारी सालगिरह कब है? मेरी सालगिरह June 13 को। ओ तो जून की पैदाइश हो जी, तो मैं वो किताब तुम्हारी सालगिरह पे प्रेजेंट कर दूंगी। वक्त बहुत हो गया, अच्छा मैं चली, दवा का समय निकल गया। ऐसा न कहो माँ, देवराज कहाँ है? डॉक्टर को लेने गए। डॉक्टर आप आकर क्या करेगा? माँ जाते जाते तुमसे एक बात कहनी है, उसे गांठ से बांध लेना, गृहस्थ में 100 दुख सुख लगे रहते हैं, कभी कभी घर में अपने आप झगड़े उठ खड़े होते हैं, उस समय घर की बात
घर ही में निपट जानी चाहिए। घर का भेद पड़ोसियों पे ना खुले, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारा पति तुम्हारा मालिक है, वो तुझे जिस हाल में रखे उसी हाल में रहना। जा, मुझे एक गिलास पानी ला दे। अभी लाई माँ। एक बात पूछूं प्रियदर्शनी? हाँ हाँ पूछो। ये क्या है? ये फूल की रानी। मालूम क्या है? क्या है? ये है फूल की प्रियदर्शनी। छी, शर्म नहीं आती? तपे को पता। हाँ फेंक रहा हूँ, दस्ता फेंकती है। लो रमी हो गई। और जवाब ने तुम्हारा है। मेरी तो अभी वो सीक्वेंस भी नहीं बनी है। अच्छा तू खुद ही नंबर गिन ले, मैं पाठशाला जाता हूँ। नहीं, एक गेम और। अरे बाबा नहीं, देखो पाठशाला नहीं जाऊंगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 3 बार पहले म्युनिसिपैलिटी में मेरी रिपोर्ट हो चुकी है। बाबा सुनो तो सही, नौकरी को तपस्या समझ कर करना चाहिए, नहीं तो पेट की समस्या जो है ना कैसे हल होगी। शास्त्री जी, शास्त्री जी। अरे बाबा ये तो किसी जवान आदमी की आवाज मालूम होती है। देख प्रियदर्शनी, तू उधर अंदर जा। अच्छा। आ जा, 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 जा। मैं क्यों जाऊं? अरे भगवान तू नहीं समझती, लोगों की नजरों से बच कर रहना चाहिए। जा जा। मैं नहीं जाऊं। अरे बाबा जा। अरे भाई तू अंदर क्यों आया है? जब तक हमने तुम्हें आवाज नहीं दी तू क्यों आ गया अंदर? देखते नहीं हम अपनी धर्मपत्नी से बातचीत कर रहे हैं, बोल क्या बात है? शास्त्री जी माँ को जुलाब लगे हुए हैं, दुआ मंगवाई। हाँ हाँ, माँ को जुलाब लगे हैं तो शास्त्री जी याद आ गए। और जब माँ ने पेट भर के खाना खाया था तब शास्त्री जी याद नहीं आए थे? भगवान उधर देख, उधर देख, ऐसे कर अंदर जा। हाजमे का चूरन लाल पोटली में मुलिया। अच्छा जा जा। मगर वो पोटली कहाँ रखी है? हाँ हाँ, वो मैं खुद ही जाता हूँ ले आता हूँ। देख वो पोटली रखी है रामायण के पास, रामायण के पास। जा 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 भगवान, जा जा। हाँ शास्त्री जी ये कौन है? ये मेरे बच्चे हैं। शास्त्री जी ये बच्चे किसके हैं? ये मेरी बीवी के बच्चे हैं। शास्त्री जी ये बच्चा किसका है? ये हम दोनों का है। शास्त्री जी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। अरे भाई सीधी सी बात है, मेरी पहली बीवी मरी तो 2 बच्चे छोड़ गई, वो मेरे हुए। फिर मैंने विधवा से ब्याह किया, वो 2 बच्चे जहेज में साथ ही लेकर आई, वो मेरी बीवी के हुए। और आखिरी बच्चा हम दोनों को हुआ, इसमें क्या समझना है? लो। अरे भगवान ठहरो भाई, ठहर जा। क्यों पंटाइन घर बर्बाद करने लगी है? कुछ समझा कर बात को। भाई दमन नहीं आया तेरे पास? हाँ जी। सलाह फिर। और देख ये 3 पुड़ियां हैं, अपनी माँ को जाकर गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार दे दो। अच्छा। और माँ को बोलना दिन त्योहार के दिन जरा ब्राह्मणों का ख्याल रखा करें। अच्छा जी, समझ गया ना। तो जा जा जा। देवराज आइए। राज बैठो बैठो, खड़े क्या? बेटी तुम्हारी माँ को परलोक सिधारे 1 महीना हो गया। जानता हूं माँ माँ होती है, लेकिन इस तरह रोने धोने उदास रहने से क्या वो वापस आ जाएगी? देवराज रामू ने बीए तो पास कर लिया है ना? जी। आगे क्या करने का इरादा है उसका? अभी तो कुछ सोचा नहीं रहा सर, उससे पूछना पड़ेगा। वो तो यही कहेगा कि मैं एमए पास करूंगा। मेरा ख्याल है उसे इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दे। इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियर बन जाएगा तो उसे कहीं और काम करने की जरूरत है, उसे हम अपने ही पास रख लेंगे। ख्याल तो बहुत ही अच्छा रहा सर। तो उसे बम्बई भेजने का इंतजाम कर। मैंने जो कुछ कहा है सोच विचार के कहा, लड़का होनहार है और शरीफ भी। अच्छा बिंदु बिटिया, अगली बार मैंने तुम्हें उदास देखा तो यही समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। हा? अच्छा देवराज मैं चल चल रहा सर। क्यों जी, आपने रामू को बंबई भेजने का फैसला कर लिया? क्यों, कोई हर्ज है? हर्ज तो नहीं, लेकिन घर में ले दे के 2 ही तो लड़के हैं। मैं जानता हूँ तुम क्या सोचती हो, तुम्हें रामू से ज्यादा अपने उस निकम्मे राजू से प्यार है। हाँ हाँ, तो हाँ सही, मैं उसे रामू के साथ कभी बंबई नहीं भेजूंगा। क्यों? मेरी आंखों के सामने जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता वो आंखों से ओझल होकर जाने क्या क्या गुल खिलाएगा।
शराब वो पीता है, जुआ वो खेलता है, सिगरेट वो पीता है, उसके बाप दादा ने कभी चाय भी पी थी? दीदी चंदन आओ, चंदन चंदन कैसे हो तुम? दुकान कैसी चल रही? चलत वलत कुछ नहीं, हमेशा के लिए दुकान बंद करके आ रही हूँ। तो दुकान बंद कर दी? और क्या, जुआवत है, उधार मांगत है, शहर का हराबी नवाब इकन्नी के उधार चाय पिए थे और दुवन्नी नकद लाई जात है, राम भरोसे एक केतली बची रही वो बनिया अपने हिसाब में उठा ले गया। लेकिन अब तुम्हारा क्या बनेगा, कुछ रसोई वसोई बनाना जानते हो? पिछले दीदी से हाँ, रसोई तो बहुत अच्छी बनाता है। तो बस ठीक है, हमारे यहाँ खाना वाना पका दिया करे, इसकी मुश्किल हल हो जाएगी। मैं भी यही कहने वाली थी। हाँ, तू भी यही कहने वाली थी, जैसे चंदन के लिए मुझे तेरी सिफारिश की जरूरत है। क्यों भाई, काम करेगा हमारे यहाँ? क्या कहते हैं बाबू, प्यासे से पूछा था कि जल पिएगा। हाँ तो बस ठीक है, जाओ अपने डिपार्टमेंट से, हारो यहाँ खड़े क्या कर रहे बाबू। क्यों खुश हो ना? ए श्रीमान, सारस्वती का तो अंत हो गया है, अब सुख ही सुख है। जिस काम में जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। जरा मेरी जेब में हाथ डालो, राम 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 राम, घोर पाप घोर पाप, ब्राह्मण की जेब में खाली हाथ नहीं डालते। डाल दो, अब समझे तुम? वो तो समझ गया है, लेकिन आपको समझाने मैं आया हूँ। जरा धीरे बोल, धीरे, मीठा बोलना दुनिया में बड़ी कीमत रखता है। हाँ। जानता हूँ जानता हूँ, आप भी तो आज तक इन्हीं मीठे बोलों की कमाई खा रहे हैं, लेकिन शास्त्री जी झूठ की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ती। वो तो राम जाने या तुम जानो, मैं क्या जानू, किंतु अपने हाथ हांडी चढ़ती ही नहीं, आप लोगों के हाथ से आ जाता है, खा लेते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। कुछ भी हो, अब तो मैं शहर के एक एक बच्चे बूढ़े से तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। भांडा फोड़ दोगे, मगर किया क्या है मैंने? जो कुछ आपने मुझे बताया था वो सब का सब गलत निकला। क्या गलत निकला बताइए, आपने मेरे लड़के के कान छेदने का मुहूर्त नहीं निकाला था? हाँ हाँ निकाला था। तो बताइए मेरे लड़के के कान कहाँ? वो तो राम जाने या तुम जानो, मैं क्या जानू, किंतु कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि जिस लड़के के कान छेदने का मुहूर्त आपने निकाला था, कोई चोर उसके कानों की बालियां भी ले गया है और साथ कान भी। अरे भाई, तुमको ये मत किसने दी कि उसके कान में सोना पहना हो? जानते हो उसके भाग्य में तो सोना लिखा ही नहीं था, पिछले जन्म में वो हीरे और मोतियों का व्यापारी था, उसके कान में हीरा या मोती पहनाना चाहिए था। भाई कुछ और पूछना चाहते हो जल्दी पूछो, मुझे पाठशाला जाना है। पाठशाला जाना है तो बाकी पाठशाला ही मैं आकर बताऊंगा, आपके शिष्य भी जान ले कि आप कहाँ के शास्त्री हैं। चिरंजीव रहो चिरंजीव रहो। जय सियाराम जी की शास्त्री जी। जय सियाराम देवराज बाबू। ओ जीती रहो जीती रहो बिटिया, धन्यवाद तुम जैसी लक्ष्मी ने हमारे घर में चरण रखे। हरिओ पंतन, जल्दी बाहर आ, देख कौन आया है। मैं नहीं आती, बाहर के लोग बैठे हुए हैं। अरे बाबा बाहर के नहीं है, ये तो अपने यजमान है देवराज बाबू और बिंदिया रानी है। जय जय पंतन, जय जय, कुछ जलपान लाओ। नहीं आज मेरा व्रत है। देवराज बाबू कैसे आना हुआ? पहले आप ये दक्षिणा और फल तो ले लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी। चिरंजीव रहो, अब कहिए शास्त्री जी। हाँ जी। अपना वो नया घर बनवाया ना, तो गृह प्रवेश के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर बताइए। मुहूर्त परसों बहुत अच्छा मुहूर्त है, अभी एक आदमी पूछ कर गया। नहीं नहीं शास्त्री जी। हाँ जी, मेरा रामू है ना, बंबई में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। इंजीनियरिंग पढ़ रहा है? वो एक हफ्ते से पहले नहीं आ सकता। हाँ तो श्रीमान, आज से आठवें रोज पूर्णमासी है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, एक तो पूर्णिमा का चांद खिला होगा, दूसरे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। देवराज बाबू अपनी कथा तो होगी ना? हाँ शास्त्री जी क्यों नहीं। अच्छा तो फिर शास्त्री जी, हाँ जी, पूर्णमासी का मुहूर्त पक्का हुआ? हाँ जी बिल्कुल पक्का हुआ। जय श्री राम। जीते रहो जीते रहो बेटी, भगवान तेरे पति को इतना धन दे कि तू रख कर भूल जाया करे, और तुम्हें इतनी संतान दे कि रात को रोज गिनकर सोया करे, फिर भी हिसाब में गलती हो जाए। चिरंजीव रहो चिरंजीव रहो। बहुत कृपा की आपने। हेलो रामू। हेलो हेलो हेलो। आइए आइए अंदर जाइए अंदर जाइए। देखा मेरे रामू को, लड़की को देख के इससे भागा जैसे बिल्ली को देख के चूहा, और वही तुम्हारा राजू उसी लड़की के पीछे साय की तरह। बस बस ये ऐसी बातों का तो और तुम क्या ही कह सकती हो। नमस्ते जी, कंवर साहब कब आए? कब आए पंजाब से? राय साहब उसे मुझसे पूछ। अच्छा मैं इनको बिठा के आता। अच्छा जी आइए राय साहब। नमस्ते, कैसी हो बेटी? अच्छी। और अम्मा
इतनी देर क्यों कर दी? क्या कहूँ दीदी, देर हो ही गई। नमस्कार राय साहब जी। नमस्कार, नया घर मुबारक हो बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग राजू, तो हिंदुस्तानी भूल गया क्या? सॉरी अंकल, नमस्ते कहना चाहिए था ना। नमस्ते। आओ रमा, मैं तुम्हें ऊपर वाले कमरे देखूं। जाओ रमा, देखाओ ना, कोई चीज तुम्हें अच्छी ना लगे तो मुझे बता देना। जाओ बेटी जाओ। अच्छी बात है। जाओ बिंदु जी, तुम यहीं ठहरो। आज का दिन अच्छा है, क्यों ना तुमसे ही पूछ लूं। कहीं राय साहब, तुम्हें याद है उस रोज मैंने रामू के इंजीनियर बनने पर क्यों जोर दिया था? मैंने उसे रमा के लिए सोच रखा है। ये बात दरअसल मुझे देवराज से करनी चाहिए थी, लेकिन तुमसे कहा, देवराज से कहा, एक ही बात है, तुमसे सलाह मशवरा कर। इसमें मशवरे की कौन सी बात है? जानता हूँ जानता हूँ, देवराज को भी इसमें कोई इनकार नहीं होगा जी। लेकिन रामू कहाँ? रामू? हाँ वो तो रामू के बारे में पूछ रहे हैं ऐसा। हाँ मैं बताऊँ कहाँ हो सकता है? कहाँ? यही कहीं, यहाँ 10 गज इधर और 10 गज उधर, कोई लड़की ना हो। ऐसा ही होना चाहिए, जो लड़के लड़कियों के पास ज्यादा बैठते हैं उनकी शादी भी देर से होती है। अच्छा? मेरा मतलब है हर बात का एक वक्त होता है। चलिए पंडाल में चलिए, शास्त्री जी आज खूब तैयार होके आए। अच्छा आइए, चलिए चलिए। हरि ओम, कथा आरंभ हो तू है, बैठो मेरे जजमान। एक सुदामा भक्त थे, दूजे कृष्ण भगवान, सुनो खोल कर कान। तो बंधुओं मित्रों भ्राताओं और माताओं, आज गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर मैं आपको श्री कृष्ण भगवान और उनके वेरी वेरी पुअर फ्रेंड अर्थात बहुत गरीब मित्र सुदामा जी की कथा सुनाता हूँ। मित्रों, सुदामा जी बहुत गरीब थे और उस पर घर में खाने वाले 1 कम 30, 1 सुदामा जी, दूधे उनकी पत्नी और बाकी 27 पीसी चिल्ड्रन अर्थात के 27 अदद बच्चे। मित्रों आप तो जानते ही हैं कि गरीबों के घर में संतान जरा ज्यादा ही होती है और उन दिनों बर्थ कंट्रोल भी नहीं था। तो गरीबी और भूख से तंग आकर सुदामा जी की पत्नी ने एक दिन सुदामा जी से कहा, मेरे स्वामी भूखा मरना गया, मेरे स्वामी भूखा मरना गया। जब कृष्ण से साथी है तेरे, फिर छुप छुप आहे भरना गया, मेरे स्वामी भूखा मरना गया, मेरे स्वामी भूखा मरना गया। तो सज्जनों, मिसेस सुदामा की ये बात मिस्टर सुदामा की समझ में आ गई और वो प्रातः काल ही द्वारका की यात्रा के लिए तैयार हो गए। जाते समय उनकी पत्नी ने ये कहा कि बचपन के मित्र से मिलने जा रहे हो, कुछ भेंट तो लेते जाओ। मगर कंगले के घर में था ही क्या सजनों जो वो लेकर जाता, तो उसकी पत्नी ने क्या किया, एक मुट्ठी भर चावल पोटली में बांध कर सुदामा जी को दे दिए। तो सज्जनों, सुदामा जी दिन भर चलते रहे, रास्ते में कई नदियां आई, उन्होंने तैर कर पार कर ली, पहाड़ आए। सज्जनों आप तो जानते ही हैं कि सुदामा जी को तैन सिंह तो थे नहीं जो आसानी से पहाड़ पर चढ़ जाते, किंतु जूं तूं करके उन्होंने पहाड़ भी पार किया। उसके बाद शाम पड़ गई और सुदामा जी को भूख ने बहुत तंग किया, इधर उधर देखा मगर उनको खाने को कुछ नजर नहीं आया। इतने में सुदामा जी ने क्या देखा कि उनके सामने एक जंगल की बकरी आकर खड़ी हो गई है। सुदामा जी मन में बहुत पुलकित हुए, उन्होंने विचार किया अपने मन में कि ये बकरी का दूध पीकर अपने पेट की अग्नि को शांत कर लेते हैं। मगर बकरी भी सजनों बड़ी क्लेवर थी, जब उसने देखा कि सुदामा जी उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसने क्या किया, धड़कर तू ना कहता करके वहां से फौरन भागी। सुदामा जी ने बकरी को भागते देखा तो जोर से पुकारा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, देखना तू फटे हुए कपड़े, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का।
परंतु सज्जनों, सुदामा जी की ये बेसुरी तान बकरी देवी जी को पसंद नहीं आई। आती भी कैसे, सुदामा जी गा रहे थे कोई मुकेश नहीं, तो बकरी भागकर खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ गई। सुदामा जी ने भी ये सोचा कि मैं भी इस दरख्त के नीचे अपनी रात व्यतीत कर लूं, तो सुदामा जी दरख्त के नीचे लेट गए। अब नीचे से सुदामा जी ऊपर बकरी को देख रहे थे और बकरी नीचे सुदामा जी को ऊपर से देख रही थी। फुल मून था सज्जनों, फुल मून और बकरी को देखकर सुदामा जी ने कहा, खोया खोया चाल खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, आंखों में सारी रात जाएगी। बकरी भी हंसकर बोली, तुझको भी कैसे नींद आएगी, तुझको भी कैसे नींद आएगी। अब सज्जनों, भगवान की लीला देखो। जब सुदामा जी की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को गोमती नदी के तट पर पाया, और फिर सुदामा जी ने स्नान किया, चंदन रगड़कर माथे पर लगाया, फिर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। सुदामा पांडे का नाम सुनना ही था कि श्री भगवान कृष्ण बिजली की तरह दौड़कर द्वार पर पहुंचे, और जाते ही उन्होंने अपने मित्र को गले से, ये तो अमेरिकन सुदामा है। फिर सुदामा जी को भगवान कृष्ण महल में ले आए, अंदर लाकर उन्होंने उनको उच्च स्थान पर बिठाया और फिर चरण धोए। चरण धोकर चरणामृत सारी द्वारका में बांटा गया, और फिर भाभी के भेजे हुए रूखे सूखे चावल श्री भगवान कृष्ण ने इस तरह चबाए जिस तरह के आजकल आप देहरादून की बासमती खाते हैं। हाँ तो सज्जनों, उसके बाद लंच हुआ। इस प्रकार 7 दिन अनंतपुर सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहे। 8वें दिन उन्होंने भगवान से अपने घर जाने की आज्ञा चाही। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को खुद द्वार तक छोड़ने के लिए आए। सुदामा जी वहां से विदा हुए। रास्ते में आते आते उन्होंने मन ही मन में कृष्ण को कोसा कि मेरी सेवा तो इतनी की है, परंतु मेरी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। सुदामा जी बहुत दुखी हुए और एक बड़े पत्थर के पास बैठ गए और श्री भगवान कृष्ण को ध्यान में रख कर रो कर कहने लगे, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। तो मित्र, इसी प्रकार रोते रोते थके मांदे गिरते गिराते सुदामा जी सुदामा नगरी में पहुंचे। अपनी कुटिया को ढूंढने के लिए जब वो अपने स्थान पर पहुंचे तो हैरान रह गए। क्या देखते हैं कि उनकी कुटिया की जगह वहां पर एक महल खड़ा है। बेचारे बहुत परेशान हुए, तो क्या देखते हैं कि ना उनकी कुटिया है और ना ब्राह्मणी है उनकी। तो फिर सुदामा जी ने देवदास बनकर अपने कान पर हाथ रखकर अपनी ब्राह्मणी को पुकारा, आवाज दे कहाँ है। अरे भाई तबले वाले, तू भी द्वारका पहुंच गया क्या, साथ दे। आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। तो मित्रों, इतने में महल के अंदर से एक सुंदरी माथे पे बिंदिया लगाए और पांव में बिछुआ पहने बिल्कुल हमारी बिंदु बिटिया की तरह बाहर आई और जाकर उसने सुदामा जी के चरण छुए। सुदामा जी बिदक कर पीछे हट गए और कहने लगे, अरे ओ मधुमती पराई नारी, तू मेरे पांव क्यों छूती है। तब सुदामा जी की स्त्री ने हाथ जोड़कर अपना घूंघट उठाया और कहा कि हे प्राणनाथ, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। तब सुदामा जी बहुत खुश हुए। तब उनकी पत्नी ने उनको बताया कि ये सब भगवान कृष्ण की लीला है, जो महल खड़ा हो गया है, ये सब आपके मित्र की देन है। तो सज्जनों, अंत में मेरी यही प्रार्थना है कि हर सुदामा को उसका कृष्ण मिलता रहे, जैसे कि मेरे यजमान श्री देवराज जी को राय साहब केदारनाथ जी कृष्ण बनकर मिले हैं, ऐसे ही
श्री राय साहब जी को भी जब ये सुदामा होंगे कोई ना कोई कृष्ण मिला होगा। ऐसे ही सज्जनों मेरी ये प्रार्थना है कि सबके महल बनते रहे। इसलिए अब अंत में सब एक साथ होकर कहिए त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण की। बिंदु जी, एक गलती हो गई हमसे। क्या? अगर गृह प्रवेश के साथ साथ रामू का ब्याह भी करवा देते तो तुम्हारी कसम इतने तोहफे मिलते कि एक नया घर बनवाना पड़ता उनको रखने के लिए। नहीं, शादी कोई मजाक तो नहीं जो झट से हो जाए? अरे हम चाहते तो हो भी सकती थी, लड़का तो हमारे पास है ही और लड़की वाले तो दहेज भी बनवाए बैठे हैं, फिर शादी के लिए और क्या चाहिए। लेकिन लड़की कौन है? राय साहब की लड़की रामा। तो क्या उन्होंने आपसे भी बात की है? अरे तो तुम्हारे साथ पहली बात हो चुकी है। गृह प्रवेश के दिन राय साहब ने मुझसे कहा था अब रामू हमारा हो गया, और उन्होंने ये भी कहा था रामू की मर्जी जानकर मुझे बता देना। समझा, जब भी राय साहब रामू में इतनी दिलचस्पी ले रहे थे। बिंदु तू को अच्छा सा दिन देख के रामू को राय साहब के घर ले जाना, पता चल जाएगा लड़के को लड़की पसंद है या नहीं। पसंद क्यों ना होगी, देखिए राजू के लिए भी एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो एक साथ दोनों की शादी कर दें। क्यों जी? क्या उस लोफर जंगली की क्या कमी है मेरे राजू में? दो चार हो तो बताओ। बस बस रहने दीजिए, जब कभी मैं राजू की बात करती हूँ आप उसे कोसना शुरू कर देते हैं, एक से इतना प्यार और दूसरे से इतनी नफरत। अच्छा हजूर, देखिए मैं माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दीजिए, बस ठीक है ना। कम ऑन, लेट मी हेल्प यू। थैंक्स। अयो थैंक्स, अंग्रेजी की भी टांग तोड़ने लगी। खूब है, तो तेरे लिए वो जीन्स होती ना जीन्स, वो चीज खरीदनी पड़ेगी, बहुत अच्छी लगी थी उसमें। साहब, साहब। ओ, कहो भाई, क्या बात है? बड़े साहब ने आपको बुलाया है। अच्छा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। रामू तुम दिन ब दिन निकम्मे होते जा रहे हो। क्यों, क्या हुआ दीदी? क्या तुमने गृह प्रवेश में राय साहब को नहीं देखा था? मेरा मतलब है कि रमा के पिताजी को। ओ हाँ हाँ, देखा था। क्यों, क्या हुआ? वो तो शिकायत कर रहे थे, तुमने उन्हें देखकर ऐसे मुंह फेर लिया जैसे कि तुम उन्हें जानते ही ना। लो दीदी, वहाँ सैकड़ों आदमी थे, अब सबको छोड़ के खास उन्हीं से बात करता क्या? कैसी अजीब बात करते हो तुम। जानते हो वो रमा का रिश्ता तुमसे करना चाहते है और तुम्हारे भैया को भी ये मंजूर है। देखो दीदी, मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कह देता हूँ, मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल ना हो जाऊँ ना, मुझसे शादी की बात हरगिज ना करना। मैं भैया पे पहले ही बोझ बना हुआ हूँ, शादी करके और बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। ये कौन महाब्रह्मचारी है जो शादी से इतनी नफरत करता है? मैं हूँ। ओहो, तुम हो राजू? भाभी ये तो अभी बच्चा है, इसकी शादी के बाद 25-30 साल बात करना। तुम ठीक कहते हो राजू, छोड़ो इसकी, तुम अपनी सुनाओ, तुम शादी करोगे? मैं तो भाभी एवर रेडी हूँ। तो चलो मेरे साथ। हाँ चलो, तुम्हें लड़की दिखाती हूँ। भाभी लड़की तो मैंने अपने लिए देख रखी है। अच्छा राजू, कौन है वो? भाभी ये हम नहीं बताएंगे। अरे मुझे तो बता दे, मैं किसी और से नहीं कहूंगी। ना भाभी ना, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ बहुत बड़े घर की लड़की है। खानदान, गुड कैरेक्टर, वेरी गुड शक्ल, सूरत एक्सलेंट। भाभी पहले तुम रामू के लिए लड़की ढूंढ लो, बाद में हम अपनी वाली का नाम बतला देंगे। नाम सुनकर खिल उठोगी, खिल उठोगी। मेरा दिल तो अभी से खिल उठा। रामू देखा मेरे राजू को, ये भी तुम्हारे साथ लड़का है, कितनी सीधी सादी बात करता है। और तुम? दीदी क्या तुम चाहती हो मैं घर छोड़ के चला जाऊँ? ना बाबा ना, तुम्हारे भैया को कहीं पता चला कि उनके लाडले ने मेरे कारण घर छोड़ दिया तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। तुम्हें शादी नहीं करना है तो ना करो, बस बस यही तो मैं भी चाहता था। बिंदु, ओ बिंदु आप आ गए? हाँ। कहिए क्या बातें हुई? वो यूं ही किसी और काम के लिए बुलाया था, कोई बिजनेस की बात थी। तो तुम्हारी क्या खबर है? आपने कहा था ना राजू को कौन अपनी लड़की देगा, उसने तो सुंदर सी लड़की देख भी ली। अच्छा कहाँ, किसी अंग्रेजी फिल्म में? देखिए मजाक नहीं। अच्छा छोड़ो राजू को, तुम बताओ मेरे रामू ने क्या कहा? वो क्या कहेगा, जब मैंने शादी की बात की तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो ठीक ही तो है, शुरू शुरू में सभी शर्माया करते हैं, मैं क्या कम शर्माया करता था, बस तुम्हारे मामले में तेरा बेशर्म हो गया था। छोड़िए ना, आप भी बड़े वो हैं। अच्छा सुनो, तुमने रामू को समझाया नहीं? समझाती कैसी,
वो तो शादी के नाम से कानों में उंगलियां देता है। कहाँ है वो सब? ऊपर के कमरे में। अच्छा बता कहाँ हार? वो पीतल का नहीं था, सोने का था। हीरे जड़े हैं उसमें, मेरे खून पसीने की कमाई है। उन्हें दिया है। किसको? राय साहब को दिया है। वो लवारसा सुन लीजिए उसको। आप राय साहब को दिया है। वो रमा के लिए वैसा ही नेकलेस बनवाना चाहते थे। आप ही बताइए मैं कैसे इनकार करती? कैसे इनकार करती? जानते हो साहब की कीमत क्या है? 30,000 रुपए। मैं जानता हूँ कि राय साहब एक ईमानदार आदमी है, मगर आजकल के जमाने में नियत बदलते क्या देर लगती है। अगर वो मुकर गए तो? इतना बड़ा आदमी 30,000 के लिए झूठ बोलेगा? नहीं नहीं, झूठ बोलेगा? आजकल के बड़े बड़े आदमी दो दुआने के लिए झूठ बोलते हैं। मुझे मेरा हार चाहिए। हाँ, आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा हार नहीं मिला तो मैं तेरी हड्डी पसली चबा डालूंगा, हड्डी पसली चबा डालूंगा। क्या है दीदी, तुम भी कभी कभी गलती कर जाती। तुम्हें भैया से पूछे बगैर किसी को इतना कीमती नेकलेस देने की जरूरत ही क्या? रामू मैं क्या करूं, इनकार न कर सकी, लेकिन लेकिन अब क्या होगा? रामू रामू मेरे भैया, मेरा ये काम करोगे? क्यों नहीं दीदी, क्यों नहीं करूंगा बताओ। राय साहब के घर जाकर किसी न किसी तरह 8 घंटे में मेरा नेकलेस वापस ले आओ। राय साहब के घर? हाँ हाँ, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं है। रामू रामू तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक काम कहा है, कर दो ना रामू, जाओ ना। लेकिन मुझे बचाओ रामू, मुझे बचाओ रामू, मेरा अच्छा भैया, जाओ ना। धीरे से जाना बगियन में, ये भोमरा धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना। कैसी रही? वो तो चला गया, लेकिन मजाक मजाक में मेरी हड्डियां टूट गई, बहुत दर्द हो रहा है। हटिए ना, किसी ने देख लिया तो क्या हुआ? फिर लड़ना झगड़ना शुरू कर दे। छोड़िए भी। राय साहब। ओ आप आइए आइए, खड़े क्यों हैं आप, तशरीफ रखिए। जी जी, वो घर में हैं। वो कौन? जी जी, वो जी, वो आपके पिताजी। वो तो बाहर गए हुए। अच्छा, तो मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। नमस्ते। लेकिन सुनिए, पिताजी जब घर पे आते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं ठहरते। अच्छा, तो मैं उनके आने तक बाहर ही उनका इंतजार करता हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पिताजी आपको बाहर बैठा देखकर यही समझेंगे कि उनकी बेटी बड़ी बदतमीज है, घर आए मेहमान की खातिर तक करना नहीं जानती। क्या आप ये चाहते हैं कि मुझे पिताजी से डांट पड़े? जी जी नहीं, जी नहीं, मैं ये कब कहता हूँ। तो फिर आइए आइए। जी जी, मैं आता हूँ। बैठिए। शुक्रिया। बैठिए ना। जी आजी। जब तक पिताजी नहीं आते मैं आप ही के पास बैठती हूँ। जी। कहिए, आपको पिताजी से क्या काम है? जी कोई खास काम तो नहीं, वो शायद हमारे यहाँ से एक नेकलेस लाए थे। हाँ लाए तो थे। जी हाँ जी हाँ, वही नेकलेस मेरी बहन ने वापस मंगवाया। पिताजी नमूनी के लिए 3-4 नेकलेस लाए थे, पता नहीं उनमें से आपका कौन सा है। ये तो नहीं? जी हाँ यही है। ये? जी हाँ ये? जी हाँ जी ये? जी, ये तो नाश्ता है। मैं इस नेकलेस के बारे में कह रही हूँ जो मेरे गले में है। यही है ना? जी हाँ जी हाँ यही है, यही है। अच्छा नाश्ता कर लीजिए। जी नहीं, मैं घर से खा पी के आया हूँ। जरूर खा पी के आए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ लीजिए। लेकिन जो मैं खा के आया हूँ वो भी तो आप ही लोगों का दिया हुआ है। वैसे आप कहती हैं तो मैं कॉफी पी लूंगा। नहीं नहीं, पहली बार आप यहाँ आए हैं, कम से कम मुँह तो मीठा कीजिए। देखिए कॉफी में भी तो शक्कर होगी ना। अच्छा बड़े शर्मीले हैं। क्या ज्यादा गर्म? जी नहीं, कदरे गर्म है, लेकिन ठीक है ठीक है, जरा शक्कर कम है। नहीं मैं मिला दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं मिला दूंगी। माफ कीजिएगा, इतना अच्छा प्याला टूट गया। कोई बात नहीं, गलती तो मेरी थी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जी नहीं, मेरी गलती। नहीं नहीं, गलती तो मेरी। जी नहीं, मेरी गलती। चलो दोनों को माफ कर दिया,
लेकिन झगड़ा किस बात का था? जी वो मेरे हाथ से कॉफी का इतना अच्छा प्याला टूट गया। तो इसमें क्या हुआ, प्याले तो टूटते ही रहते हैं बरखुरदार, लेकिन तुम कब रोज रोज आते हो? रमा देखती क्या हो, कॉफी बना दो ना। जी नहीं, जब प्याला टूटा था तो मैं कॉफी पी चुका था। अच्छा, तो तुम काफी देर से आए हुए। जी हाँ, जी जी नहीं, जी नहीं, अभी अभी आया, अभी आया। वो दीदी ने अपना नेकलेस वापस मंगवाया है। नेकलेस? जी हाँ। नेकलेस दे दो बेटी। शुक्रिया। अच्छा तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। जाओगे? जी अच्छा। संभाल के, संभाल के। जी मुझको मोहब्बत के सिवा दीदी, ये नेकलेस ले आओ। ओह, तुम ले आए? इतनी देर क्यों कर दी भैया? दीदी क्या करता, वो घर में राय साहब नहीं थे। और कौन था? और वो उनकी लड़की थी। अच्छा, तो रमा थी। तुमने उससे नेकलेस मांगा? लेकिन तुम ये सवाल पे सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ये क्या? क्या तुम्हारा माथा क्या सूजा हुआ है? ओह, वो दरवाजे से टकरा गया। दरवाजा? किसके दरवाजे से? राय साहब के दरवाजे से। और किसके दरवाजे से? ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। चंदन, रामू के लिए चाय ले आओ। नहीं मैं नहीं। क्यों, क्यों? मैं वो मैं उनके घर कॉफी पीकर आया। लेकिन तुम तो कह रहे थे राय साहब घर पे नहीं थे, तो फिर किसने पिलाई कॉफी? तो क्या राय साहब खुद अपने हाथ से कॉफी बनाते हैं? उनकी लड़की ने पिलाई थी। अच्छा, तो रमा के हाथ से पी के आए हो। कॉफी अच्छी बनाती है ना? बहुत अच्छी बनाती है। दीदी, दीदी। अजी सुनते हो? ये लो नेकलेस। अरे बेचारा रामू फंस गया। राय साहब घर पर नहीं थे, वो सीधा रमा से मिला और रमा ने अपने हाथ से बनाकर उसे कॉफी पिलाई और उसने पी भी ली। अच्छा। इसका मतलब ये है कि रामू की गिरफ्तारी का वारंट भी निकल आया। भाई साहब, यहाँ ठेकेदार देवराज कौन है? नहीं तो हूँ, क्यों, क्या काम? आप तो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कहाँ से आई हो तुम? ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। चिट्ठी? मेरे प्यारे सपुत्र देवराज, तुम्हारा अभागा बाप रामनाथ। ये पत्र तेरा अभागा बाप लिख रहा है बेटा। तेरी बड़ी इच्छा थी कि तेरे कदमों में सिर रख कर अपने उन अपराधों की माफी मांगता जो मैंने तुम्हारी माँ और तुम दोनों भाइयों को बेसहारा छोड़कर किया। मेरे बुरे वक्तों में जब मुझे सबसे दुत्कार मिल रही थी, एक औरत ने मेरा साथ दिया, मुझे प्रेम किया। तुम्हारी ये सौतेली माँ और बहन तुमसे मिलने आ रही। ये मेरा खत तुम्हें देंगी बेटा, मैं अब कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, मेरे बाद ये दोनों भी अनाथ हो जाएंगी। तुमसे विनती है बेटा, इन्हें माँ और बहन समझकर आसरा देना, वरना मेरी आत्मा परलोक में भी तड़पती रहेगी। अब कैसी हालत है उनकी? वो तो 15 दिन हो गए चल बसे। भैया आखिरी वक्त पे तुम्हारा ही नाम ले रहे थे और हमें हौसला दे रहे थे कि वो तुम्हारा जरूर ख्याल रखेगा। मेरा क्या है बेटा, मैं तो कहीं भी रह लूंगी, मगर इस जवान जहान बच्ची का क्या होगा, इसे अपने पास रख ले बेटा। देखो फिलहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले घर में सोच विचार करूंगा फिर बताऊंगा। तब तक मेरा एक पुराना मकान है, तुम दोनों वहां रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, इस बारे में कभी किसी से कुछ मत कहना, समझी? आओ मेरे साथ। आप आगे, खाना लगा दो। नहीं भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है, तबीयत तो अच्छी है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है। नहीं नहीं, आप कुछ छिपा रही हैं, सारा माथा पसीने से तर है, कहीं बुखार तो नहीं? नहीं बुखार बुखार नहीं बिंदु, आज मैंने एक माँ बेटी को देखा, बेचारी बंगलोर की रहने वाली है, न सर छुपाने की कोई जगह, न खाने पीने का कोई आसरा, दोनों माँ बेटी मेरे पैरों में गिर गईं, मैं तो सचमुच उन्हें देख के कांप सा गया। लेकिन
आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, कर तो क्या सकता था, लेकिन सोचा कम से कम लड़की को घर ले चलूं, घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी। लेकिन फिर ख्याल है घर की मालकिन तो तुम हो, कम से कम तुमसे पूछ तो लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ इस घर की मालकिन हूँ, लेकिन आप तो मेरे भी मालिक हैं। जरा सी बात के लिए इतनी चिंता? आप कहा करते हैं ना, जब आदमी उदास हो तब उसको मुझे नहीं आता। यानी आप फिर अंग्रेजी की टांग तोड़ना चाहती हैं? लव्स है एंटरटेनमेंट। क्या एंटरटेनमेंट? हाँ, खाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी। कहाँ मिलोगे रमा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रमा। वाह वाह, काबू आ गए बच्चों। देखा बिंदु, एक जमाना था जब हुजूर लड़की का नाम सुनते ही कानों में उंगलियां दे लिया करते थे, और अब रमा को एक बार देखा
और उसके सपने भी आने शुरू हो गए। मालकिन, मालकिन, कौन हो तुम? किससे मिलना चाहती हो? मैं, मेरा नाम नंदिनी है। इस घर के मालिक ने मुझे। अच्छा, तो वो हो तुम? जी। बिंदु जी, यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। समझ गए। चंदन, चंदन आओ। हाँ जी। देखो इसे अंदर ले जाओ, ये भी यही काम करेगी। समझ गई अजी। हाँ नंदिनी, जाओ उसके साथ अंदर चली जाओ। जाओ नंदिनी। आओ, आओ। अरे क्या बात है, क्या देख रही हो? इतनी पक्की दीवार में ये दरार कहाँ से पड़ गई? हाँ दरार तो है। कोई बात नहीं, पलस्तर करा देंगे। लेकिन पहले मालूम तो होना चाहिए दरार पड़ी क्यों। बाहर पलस्तर कराने से दरार तो छुप जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर दीवार और भी पड़ सकती है। चलो फिर देखा जाए। बहन, देवराज ने तो तुम्हें यहाँ दो चार ही दिन के लिए रखा होगा, फिर तो तुम कहीं और ही चली जाओगी। नहीं बहन, देवराज हमें कहाँ जाने देगा, मेरी नंदिनी से बड़ा घुल मिल गया है। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, देवराज बहुत बड़ा आदमी है, उससे बना के रखोगी तो कई काम निकल सकते हैं। माँ, माँ सुनाओ क्या हुआ बेटी? माँ उन्होंने मुझे अपने घर पर रखना मंजूर किया है। अच्छा? हाँ, और बिंदु का घर इतना बड़ा है जितना किसी राजा का महल हो। अरे छोड़ो भी, कौन जाने कौन है सुसरी का बाप, इसी शहर में चूना मिट्टी उठाकर आठ आने रोज की मजदूरी करती थी। हाँ तुम किसकी बात कर रही हो बहन, मैं तो देवराज की घरवाली के बारे में कह रही थी। आए तो मैंने कौन सा रानी पद्मिनी का किस्सा छेड़ रखा है? देखो बहन, मुझसे इस शहर की कोई बात नहीं छिपी, कई लोग तो मुझे प्यार से बसंतो रानी की जगह रेडियो रानी कहकर पुकारते हैं। तुमने देखा नहीं बिंदु को, सब लोग मुझे बड़े प्यार से मिले। हाँ मगर वो चंदन रसोईया इस तरह हुक्म चला रहा था जैसे घर का मालिक वही हो। आए रेडियो रानी से ये भी नहीं छिपा, बिंदु जब झोंपड़ी में रहा करती थी तब चंदन बगल वाली दुकान पे दो पैसे प्याली चाय बेचा करता था। कुछ लोग तो चोरी छिपे चंदन और बिंदु के बारे में खुसर पुसर भी करते हैं। ये तो देवराज बीच में आ टपका, चट मंगनी और पट ब्याह। ऐसा? हाँ, गधे के पल्ले चार पैसे हों तो लोग उसे भी बाप कह के पुकारे। माँ। अब क्या बात है बेटा? बहन ये मेरा लड़का है। क्या अपने घर में कोई काम नहीं है जो सारा दिन यहीं पर बैठी रहती हो? तो चल ऊपर, मैं भी आती हूँ। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, शायद लड़के को भूख लगी होगी। चलना सुना तुम, बसंत तो क्या कह रही? सुना तुझे वहां पांव रखने की जगह तो मिल गई है, अब ये देखना है तू मौके से क्या फायदा उठाती है। दो वक्त के चुपड़े खाकर ये मत भूल जाना कि हम लोग यहाँ किस काम से आए। कैसे भूलूंगी माँ, आखिर बेटी किसकी हूँ। प्रिय दर्शनी, तुम्हारा बाप नमक की दुकान करता था क्या? क्या कहा जी? क्रोधित क्यों होती है पंतायन, रसोई तो तू अच्छी बनाती है किंतु दाल भाजी में इतने नमक का विश्राम कम किया कर। मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता तो होटल में खाया करो ना। हाँ जी, कल तू ये भी कहेगी कि सोया भी होटल में करो। देख पंतायन, एक बात को मत भूल, मेरे जैसे धर्म कर्म के पक्के आदमी ने मर्यादा छोड़कर एक विधवा से शादी की है। ओए होए, जैसे तू बड़े कवारे थे। वो तो राम जाने या तू जाने मैं क्या जानू, किंतु चलो छोड़ो इस झगड़े को। शास्त्रों में लिखा है कि अन्न भगवान की देन है, इसे खाते समय तन और मन दोनों शुद्ध रखने चाहिए। तो मुझे झगड़ा क्यों करते रहते हो? चलो जी नहीं करते है, हाथ धुलाओगी? चलिए। प्रिय दर्शनी, अगर हम दोनों ऐसे ही प्रेम से रहें तो ये घर पाठशाला की बजाय स्वर्गशाला बन जाए। पक्का तेरा लिए? तुझे क्या करना है रे? करना क्या है, चूल्हा ना सुलगाई तो घर बार खाना कैसे खाई? घर की मालकिन काम कर रही और तू अपने चौकते का हवा दे रही। अरे ना पक्का, अरे हाथ से हाथ रखे बेकार पड़ी रही तो मोटी हुई जाएगी, फिर तुमसे शादी कौन करी? चलो प्याज ला। अरे वाह
तू नौटंकी में काम करत रही, तूला काय को पटकावत है? थोड़ा था चंदन। हाँ बाबू। कौन से किसी भाषा में बात करते हो तुम? बाबू जन्म बनारस में भया, 8 बरस का था तो बाबा दिल्ली लेके आ गए, फिर 2-4 बरस बम्बे की खोलियों में पड़ा रहा और अब 10 साल से भाग में मद्रास का इटली तोता सफल लिख रहा बाबू। इसलिए बाबू भाषा भी गंगा जमनी हुई गई। अच्छी बात, तो ऐसा करो नाम भी चंद्र प्रकाशन पे ले रख लो, फैसला ही हो जाए। क्या कह रहे बाबू? बिंदु जी, ये देखो नंदिनी की साड़ी कितनी जगह से फटी हुई है, कुछ ही साड़ी निकाल के दो ना। मेरा थिया नजर गया ही नहीं, आओ नंदिनी मैं देती हूँ। लो ए चंदन। हाँ बाबू। औरत घर की मालिकन हो या नौकरानी, उसके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम इस लड़की पे इतना रौब मत डाला करो। समझ गया बाबू। नहीं समझे तो छुट्टी कर दूंगा, ध्यान में रखना। हाँ ये लो। ये क्या, तुम इसे ये साड़ी दे रही हो? क्यों, क्या बात? उसकी साड़ी फटी हुई थी, मैंने कहा दूसरी निकाल के दे दो, और तुम इसे ऐसी साड़ी दे रही जो पहली से भी ज्यादा गई गुजरी। अच्छी साड़ी निकाल के तू इसको। मैंने देखा नहीं। चला खुश हो रहा है, जाओ एक गिलास पानी का तो ले आओ। जी हमेशा रहना है तो हर आदमी से मीठा बर्ताव करना पड़ेगा, समझी? और अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि यह तुम्हारे भैया का घर है तो फिर तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं। आगे समझ में? जी समझी। ये छोकरी कौन है? मुझे क्या मालूम चंदन भैया, वो कह रहे थे कोई गरीब लड़की। तो फिर बाबू ने कहा समझावत रहे कि ये छोकरी पे रुबाब ना गांठियो, इसे इज्जत मान से देखियो जैसे हम तुम्हें देखे थे। अपने मन में तो धनी सुनका है। तुझे इससे क्या मतलब? मतलब पूछा तू, अपना दाना पानी खतरे में, बाबू बोलत रहे कि इस छोकरी से बुरा बर्ताव किया तो छुट्टी कर दूंगा। तू क्यों डरता है? जब तक मैं यहां हूं तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू खुशी से रह, खुशी से खा पी, और क्या चाहिए तुझे? Come on!
मैं वो गुलाब के फूल तोड़ने आया था। क्यों, बाजार में नहीं मिलते? मिलते हैं, लेकिन ताजा नहीं मिलते ना। मेरी आंखों में हल्की सी जलन रहती है। किसी ने कहा है कि ताजा गुलाब के फूलों के पानी से अपनी आंखें धोया करो। आंखें तो मेरी भी दुखती हैं, लेकिन इसलिए कि तुम इन आंखों से दूर रहते हो। सच रमा, दो दिन से मेरा भी यही हाल है। तुम्हारे सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। सोने की कोशिश करता हूं तो नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो तुम्हारे ख्वाब लेकर। कुछ बोलो ना, बोलो ना। झूठे ख्वाब देखने की जरूरत क्या है राजू? क्यों, अब खुल गई आंखें? राजू, यही तुम्हारी शराफत है, रामू पे क्यों हाथ उठाया? शुक्र करो कि सिर्फ हाथ ही उठाया। जी चाहता है कि इसकी गर्दन मरोड़ के रख दूं। खैर, मैं भी तुझे सीधे रास्ते पर ला के ही छोड़ूंगा। आप इससे बाहर हो रहा था, समझता क्या है अपने आप को? जाने दो रमा, जाने दो। मैं नहीं चाहता ये बात दीदी और भैया के कानों तक जाए। घर एक गुलदस्ता होता है, अगर उसमें से एक फूल भी इधर उधर हो जाए तो उसकी शोभा जाती रहती है। वादा करो ये बात भैया और दीदी को नहीं मालूम होगी। अच्छा रामू, अच्छा। कहाँ थे राजी, तुमने तो चाय भी नहीं पी। चाय की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। किस बात का? मेरी दुल्हन का। क्या कह रहे हो राजू, तुमने तो कहा था तुमने लड़की ढूंढ रखी है। कहा था, लेकिन बात इतनी आसान नहीं। क्यों, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट है? रुकावटें और मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन तुम चाहो तो सब दूर हो सकती हैं। मैं, अगर ये मेरे बस में है तो समझ लो राजू तुम्हारी शादी होगी। कौन है वो लड़की? बताता हूँ, लेकिन जरा दिल थाम के सुनना। वो लड़की रमा है। रमा? हाँ रमा। भाभी, मैं तुम्हें खूब समझता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझती, इसीलिए मैंने कहा था जरा दिल थाम के नाम सुनना। पर राजू, मुझे कोई दुख तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरा पहले से बताते तो बहुत आसान थी। भाभी, तो अब क्या बिगड़ गया है? कुछ नहीं, शायद थोड़ा वक्त लगे। लेकिन राजू, क्या रमा ने तुमसे हाँ कर रखी है? ऐसी बात कौन लड़की अपनी जबान से कहेगी, मेलजोल से ही अंदाज लगाया जा सकता है। कहो भाभी, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? राजू, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी। कोशिश क्यों, तुमने तो मेरी जिम्मेदारी ले रखी है। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। याद है जब बचपन में भैया मुझे पीट रहे थे तो तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी माँ हो, तो आज फिर इस बेटे के लिए अपना वचन पूरा कर दिखाओ ना। सत्यानाश हुई क्या दूध का? ओह, एक छोकरी, तुझसे कहा था ना दूध का ध्यान रखना। अयो, जेवर गहने किसने लड़के दिए? तुम्हें क्या, मेरा जेवर देखे तेरे पेट में क्यों दर्द होता है? जाना थू, सब जाना थू। चंदन, तुझे मालिक ने नहीं कहा था कि किसी के काम में दखल मत दे? क्या हो गया है तुझे, बोल। अब बोल ना, चुप क्यों हो गया? मालकिन से डांट पड़ी इसकी? मालकिन, इसे समझा दो कि मुझसे सीधी तरह बात किया करे। ये मेरे काम में हर वक्त कोई ना कोई नुक्स निकालता रहता है। तुम चिंता ना करो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस घर में वही होगा जो तुम चाहोगी।
लेकिन मैं तो ये सोच के बावला हो रहा हूँ कि इसे ये गहने किसने बनवाई के दिए। तुझे उससे क्या, जाओ अपना काम करो। एक जोड़ी मोजे और एक कोट। और हाँ बीबी जी, साहब के कोट में यह कागज पड़ा है। लेकिन मैं तो ये सोच के बावला हो रहा हूँ कि इसे ये गहने किसने बनवाई के दिए। साड़ी फटी हुई थी, मैंने कहा दूसरी निकाल के दे दो, और तुम इसे ऐसी साड़ी दे रहे जो पहली से भी ज्यादा गई गुजरी। राम इधर आओ। ये क्या उंगलियों के निशान? मुझसे ना पूछो दीदी। क्या हो गया है तुम लोगों को, जो आता है मेरे दिल पे तीर मारता है। आज तक इस घर में शांति ही शांति थी, लेकिन अब जैसे शांति की ये माला बिखरती नजर आती है। कौन बिखेर रहा है इस माला को, ये जानना जरूरी नहीं। लेकिन रामू, इस घर की शांति की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। दीदी तुम तो पहेलियों में बातें कर रही हो, मैं जानता हूँ मैं क्या था और आज क्या हूँ, और जो कुछ भी हूँ अपने बहनों की बदौलत। तुम्हें कुछ और भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। दीदी मैं अपने बहनों के लिए गलियों में भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो? रामू, रामू तुम दिल से कह रहे हो? हाँ दीदी। तो सुनो, तुम अपने जीवन के लिए कोई और साथी ढूंढ लो। कोई और साथी? और रमा? भूल जाओ उसे। लेकिन किसके लिए? राजू के लिए। राजू के लिए? राजू रमा से शादी करेगा? दीदी क्या राजू रमा का नाम लेने के भी काबिल है? रामू, खबरदार जो फिर कभी तुमने ऐसा कहा। राजू के खिलाफ मैंने उन्हें भी बात नहीं करने दी। अब तुम भूल जाओ कि रमा के साथ तुम्हारी शादी की बात कभी हुई भी थी। दीदी तुम्ही ने मुझे रमा के नजदीक लाने की कोशिश की थी, तुम्ही ने इस मिलाप के लिए मिन्नतें की थी, और आज तुम्ही ये कह रही हो कि मैं उसे भूल जाऊं। वो मेरी भूल थी, मुझे माफ कर दो रामू। तुम्हारे खुशी से ज्यादा इस घर का सुख ज्यादा प्यारा है रामू। लेकिन मैं न जानता था तुम घर के सुख के लिए मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी लोगी। और मुझे भी ये आशा न थी कि तुम मेरी इच्छा को उस तरह ठुकरा दोगे। अगर तुम्हारी जगह मेरा राजू होता तो कभी इनकार न करता। ऐसा ना कहो दीदी, ऐसा ना कहो, मैंने कब इनकार किया है? तुम दिल से कह रहे हो? हाँ दीदी, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। रमा, रमा, तुम्हें राजू से शादी करनी ही होगी। इस तरह क्यों हंस रही हो? तो और क्या करूं? अगर कमजोर दिल होती तो ऐसी बात सुनकर रो देती, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरह मजबूत नहीं। सुनो मेरी बात मान लो रमा। बिंदु दीदी, ये खूब कही तुमने। सामने आग नजर आ रही है और तुम कहती हो कि जानते हुए भी उसमें हाथ डाल दूं। ऐसे भी क्या बुराई है राजू में? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, किसी की परवाह नहीं करता, सदा अपनी ही मनमानी करता है। देखो दीदी, शादी घर बसाने के लिए की जाती है, किसी का उद्धार करने के लिए नहीं। रमा, क्या तुम चाहती हो कि मैं जिंदगी भर सुख की सांस न ले सकूं? दिन रात मेरी आंखें आंसुओं से भीगी रहे। अजीब मुश्किल है, अगर तुम्हारी बात ना मानूं तो आंसू तुम्हारे हैं, और अगर मान लूं तो आंसू मेरे हो जाएंगे। दीदी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। रमा जी, बाबूजी ने बुलाया है, उनसे कह दो मैं अभी आती हूँ। अच्छा। रमा, अगर रामू ही तुमसे शादी के लिए इनकार कर दे तो फिर तुम क्या करोगे? ये तो अजीब सवाल है। फर्ज किया घर में नल का पानी बंद हो जाए तो क्या मैं नाली का पानी पीऊंगी? मैं क्या कह सकती हूँ, फैसला तो तुम्हारे हाथ है। फैसला? फैसला किस बात? बिंदु दीदी से ही पूछ लो डैडी। तुम ही कहो बात क्या है। डैडी, दीदी चाहती हैं कि मैं राजू से शादी कर लूं। राजू? वाह वाह वाह, कितना प्यारा ख्याल है। राजू को अपना दामाद बनाने से पहले मुझे पिस्तौल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। उधर रमा का हाथ उसके हाथ में दे दूं और इधर अपने आप को गोली मार लूं ताकि दुनिया की जबान से यह ना सुन सकूं
कि राय साहब ने अपनी नाजुकली बेटी की किस्मत एक बच्चलन आवारा और जुआरी के हाथ में दे दी। बिंदु, जो कुछ मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर रमा का हाथ रामू के लिए चाहिए तो बेशक कल सुबह का मुहूर्त निकलवा लो, लेकिन मेरे घर की चार दीवारी के अंदर राजू का नाम फिर कभी ना लेना। जो कुछ मुझे कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। नंदवी, ये तुम क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम्हारी भाभी ने खूब नमक मिर्च लगाकर रमा को पट्टी पढ़ाई। सचमुच तुम बड़े भोले हो, भोले न होते तो इस तरह किसी का विश्वास न कर लेते। समझ गया, तो मेरी शादी का सारा फसाद मेरी भाभी ने ही खड़ा कर रखा। तुम्हें अनजान समझ के मैंने सब कुछ कह दिया, कहीं मेरा नाम न लगा देना। डरो मत, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन जरा चुकन्नी रहा करो और अंदर बार की हर बात मुझे बता जाया करो। और घर में मेरा काम ही क्या है? करेक्ट, तो वो लोग ये भी कहते होंगे कि मैं सिर्फ मैट्रिक लेट हूँ और एफए भी पास ना कर सका। हाँ। तो मैं भी उन लोगों को बता दूंगा कि जो डिग्री मेरे पास है वो और किसी के पास नहीं। बिच्छू भी आ गया। ओहो बिच्छू। ओहो दीदी, मेरे पास बाबा जी की भभूत है, दो ही मिनट में आराम आ जाएगी, दो ही मिनट में। चला एक मिनट दी। रोवा नहीं बिंदु, तुम रोवा तो नहीं, हम घर छोड़ के चले जाओ। हंसा बिंदु, तुम हंसा थे हमें सब कुछ मिल जाता, तुम हंसा थे हम आज भूख मिट जाते। हंसा बिंदु, हंसा हंसा हंसा, यही तो हम चाहत रहे। शाबाश बिंदु, शाबाश, बहुत। बिंदु, बिंदु जी। अरे कहाँ खड़ी हो बिंदु? एक बहुत अच्छी खबर है, मुझे 100 एकड़ जमीन बड़े सस्ते दामों में मिल रही है, ये चाहता खरीद लूं। तुम्हारा क्या विचार है? खरीद लीजिए। हाँ, खरीदने में तो कुछ भी नहीं है, कल भी खरीद सकता हूँ, मगर सवाल ये है किसके नाम खरीदूं? जैसे आप चाहें वैसे ही कर लीजिए। जैसे आप चाहें, मुझे अपनी मर्जी से खरीदना हो तो मैं तुमसे क्यों पूछूं? बिंदु तुम्हें क्या हो गया? कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ, बस हर वक्त गुमसुम बनी रहती हो, हर बात के जवाब में बस हाँ हूँ कर देती हो। बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो होगा ही ना, तुम्हारे चेहरे पे पहले जैसी मुस्कान है ना बातों में वो शोखी, ना जाने देखते देखते तुम इतना बदल क्यों रही हो? मैं तो वही हूँ, मुझे क्या पड़ी है जो बदल जाऊं। इन दोनों जब भी तुमसे वो घरेलू बातचीत शुरू करता हूँ बस रोनी सूरत बनाकर बैठ जाती हूँ, तुम्हारी तरफ तो देखते हुए जी घबराने लगा है। बिंदु क्या बात है, इधर आओ। इसमें बच्चों की तरह रोने का क्या मतलब है बाबू? क्या बात है चंदन? हम बताएं बाबू, दीदी क्यों रो रही है? दीदी के रोने का कारण तुम्हारा भाई है। मेरा भाई कौन? राजू। ठीक समझो बाबू। देखो तुम जाओ अंदर, अपना काम करो। बिंदु तुम खामोश खड़ी रहो, चुप रहो, मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, दो दिन पहले तुम्हारे भाई दीदी से कहत रहे कि जो लड़की पसंद करे हैं वो राय साहब की बेटी रमा है, और ये भी कहत रहे कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो उम्र भर कुंवारा रहूंगा। कितनी बार कहा उस कम वक्त को इतनी ढील मत दो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? खोटा पैसा है ना, इसीलिए इनको ज्यादा प्यारा है। अब अपना किया अपने सामने आ रहा है। मैं कहता हूँ इतना रोने धोने की अब भी कोई जरूरत नहीं, रमा से उस कमबख्त की शादी कभी हो ही नहीं सकती। जीवन में बहुत सी अनहोनी बातें भी तो होती हैं। हाँ, मगर ऐसी अनहोनी कभी नहीं हो सकती। मैंने एक बार रमा को समझाया है, शायद दो चार बार समझाने से वो मेरी बात मान जाए। मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा बाबा जाओ, मैं कब रोकता हूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा के लौटोगी ये मैं कह देता हूँ। क्यों भाभी, आजकल तुम मेरे लिए बड़ी तकलीफ उठा रही हो? क्या कहते हो राजू,
मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं कर सकती? भाभी मेरे ख्याल से बार बार वहां जाने के बजाय अगर तुम घर पर ही बैठी रहो तो शायद कुछ मेरा काम बन जाए। राजू तुम निराश क्यों होते हो? मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि रमा के टूटी हुई नाव में बैठकर पार कौन उतरा भाभी? यो साहब बहादुर इधर आ। क्या अपने भाई की बीवी से यूं बात करते हैं? तेरी माँ लगती है माँ। बहुत दिनों तक मैं भी यही समझता रहा था और अब समझना छोड़ दिया। रास्कल उस बेचारी को पहले क्यों नहीं बता दिया कि तू रमा के लिए तड़प रहा है? तो बाद में बता के कौन सी मेरी शादी हो गई है। राजू जानता है तू क्या कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? आपकी बीवी के लिए और किसके लिए? कमबख्त न तुझे कभी अकल आई है और ना आएगी। वो बेचारी तो तेरी खातिर इस घर से उस घर तक मारी मारी फिर रही है। भैया भाभी का दिल साफ होता तो एक ही चक्कर काफी था। ये बकवास बंद भी करेगा या नहीं? वो रमा तेरे साय से दूर भागती है, ऐसा मालूम होता है उसे तेरी सूरत से नफरत है। भैया मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे साय से दूर भागना उसे किसने सिखाया है? किसने सिखाया है बोल? रामू ने सिखाया है, चंदन ने सिखाया है, घर के माली ने सिखाया है, नंदिनी ने सिखाया, किसने सिखाया? भैया आप नंदिनी से ही पूछ लीजिए कि रमा के सामने मेरी कितनी तारीफ की थी। चीखो मत, पूछता हूँ। नंदिनी जाओ बुला लो उसको। भैया बोल लीजिए नंदिनी आ गई, इससे अच्छी तरह पूछ के अपने दिल की तसल्ली कर लो। पूछता हूँ नंदिनी तुम्हें इस मामले में क्या मालूम है? देखो मुझसे कुछ मत छुपाना। भैया डरो मत, यहाँ कोई नहीं। अच्छा उस कमरे में आओ मेरे साथ। अब बताओ क्या बात है? भैया हम यहाँ तुम्हारे आश्रय जी रहे हैं, जो भी कुछ कहूंगी उसमें लाग लपेट नहीं होगी। हाँ वो तो सब ठीक है, मगर ये सब बताने की क्या जरूरत है, मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ एक बात है, जो भी कहना हो सच सच और साफ साफ कहो। कहती हूँ भैया, लेकिन धीरज से काम लेना। इतनी बड़ी बात? भैया तुम्हारा भाभी के बारे में क्या ख्याल है? बिंदु के बारे में? नंदिनी जानती हो बिंदु का असली नाम क्या है? क्या? बिंदिया। वो मेरी किस्मत के माथे का टीका है, उसकी शोभा है। अगर कोई मुझसे पूछे संसार में मेरे लिए सबसे उज्जवल, सबसे प्यारी, सबसे पवित्र चीज कौन सी है, मैं कहूंगा मेरी बिंदिया, मेरी बिंदु। समझ गई? हाँ। अच्छा भैया भगवान करे भाभी ऐसी हो जैसे तुम सोच रहे हो। नंदिनी कहाँ जा रही हो? भैया मुझे रोको मत, विश्वास अंधा होता है। भाभी के बारे में कुछ कहकर मैं बुरी नहीं बनना चाहती। नंदिनी तुम भी जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। भला भाभी को रमा के सामने राजू की बुराई करने की क्या जरूरत थी? कि राजू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता, सदा मनमानी करता है, उसका अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, न जाने और क्या क्या कह रही थी। नंदिनी सोच समझ के और अच्छी तरह याद करके मुझे बताओ, वाकई बिंदु ने रमा से ये कहा था? भैया सुनी सुनाई नहीं कह रही हूँ, पास ही तो खड़ी थी। तो जो कुछ तुम कह रही हो सच है? हाँ, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो राय साहब और रमा तो कहीं नहीं गए, उनसे पूछ लो ना। अच्छी बात है, अभी जाके पूछता हूँ। भैया भैया इसीलिए तो कहा था कि धीरज से काम लेना, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। लेकिन बिंदु को ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी थी? अगर ऐसा न कहे तो रमा से रामू की शादी कैसे हो? रमा से रामू की शादी? हाँ। इसमें राजू की बुराई करने की क्या जरूरत पड़ी? बात तो सीधी सी है भैया, भाई भाई होता है, देवर देवर। मैं नहीं मानता, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। बिंदु कभी ऐसा नहीं कर सकता। कई कई को भी राम से बहुत प्यार था, लेकिन जब अपने बेटे भरत का सवाल आया तब कहाँ गया उसका प्यार? लेकिन मेरी तो अपनी दिली ख्वाहिश है कि रमा की शादी रामू से हो, फिर बिंदु को मेरे आगे ये दिखावा करने की क्या जरूरत है कि वो रमा का रिश्ता राजू से करवाने की कोशिश कर रही है? मेरी आंखों में धूल झोंकते हुए आखिर कोई मतलब ही तो होना चाहिए। ये तो जरा सी बात थी जिससे तुम्हारा दिल हिल गया, कुछ और सुनोगे तो? अभी है कुछ क्या है भैया?
सच है या झूठ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे शक है भाभी इस घर की मालकिन है, हुक्म देकर चंदन को बाहर बुला सकते हैं, उन्हें बार बार रसोई में जाने की क्या जरूरत है। भैया भैया चाहे मुझे जान से मार डाले लेकिन मैं क्या करूं, आखिर तुम्हारी बहन हूं, अपना खुद कभी तो बोलेगा। नंदनी मुझे माफ कर दो, गुस्से में पागल हो गया था। नंदनी मेरी बहन, मेरी बहन बता दो, मुझे सब कुछ बता दो। भैया पहले पिताजी की कसम खाकर मुझसे वादा करो कि तुम भाभी को और चंदन को कुछ नहीं बताओगे। हाँ, हाँ, मैं पिताजी की कसम खाकर कहता हूँ मैं दोनों से कुछ नहीं कहूंगा। पुरानी बात तो जाने दो भैया, आज ही का किस्सा है। चंदन भाभी का हाथ प्यार से पकड़कर कह रहा था कि जब तुम हंसते हो तो मुझे सब कुछ मिल जाता है, तुम्हारे हंसी से मेरी भूख मिट जाती है। बस बस अरे भैया कहाँ जा रहे हो, तुमने पिताजी की कसम खाकर मुझसे वादा किया था कि तुम दोनों से कुछ नहीं कहोगे। जब घर आओगे ना बाकी बातें तब बताऊंगी। अभी तो घर नहीं जा रही? जा तो रही हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ मैं तुम्हें देता हूँ। रमा अभी आई डैडी। जल्दी आओ तुम्हें तो बस का ख्याल नहीं रहता। 5 बज गए तुम्हारा पाउडर का डब्बा अब ऊपर जा रहा, अभी मेकअप होगा अभी कपड़े पहने जाएंगे। जब किसी को 5 का वक्त दिया जाता है तो 5 का मतलब 5 ही होता है, अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही वक्त की पाबंदी न रखे तो और कौन रखेगा। बाप की दौलत की वारिस बनोगी तो बाप की कुछ अच्छी आदतें भी तो सीखो। लो डैडी मैं आ गई। चलो राय साहब तुम्हें क्या चाहिए। जी वो जमुना के पुल का जो ठेका ले रखा है उसकी मंजूरी में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये घड़ी देखी इसमें 5 बजे हैं। अब जरा अंदर जाकर मेरी डायरी देखो और देखो 5 बजे का टाइम मैंने किसको दिया है, वहां कलेक्टर साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे और तुम यहाँ जमुना का पुल लेकर मेरे सर पे सवार होगे, पहले याद नहीं दिला सकते थे। जी जरूरी काम था इसलिए तकलीफ दे रहा हूँ। ओ तो आपका मतलब है मैं किसी गैर जरूरी काम पर जा रहा हूँ, क्यों गेट आउट। राय साहब अब तुम्हें क्या चाहिए। जी हिसाब किताब की जाँच कर ली है लेकिन 3000 का फर्क कहीं नहीं मिलता। तुम्हें भी इसी वक्त आना था, फर्क नहीं मिलता तो अपने आप को गिरवी रख के पूरा करो। नमस्ते राय साहब। नमस्ते, क्या बात है। आपसे एक जरूरी काम था अगर आपके पास 10 मिनट की। मेरा ख्याल है तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रखी है। साजिश? जी नहीं, मैंने सुना था बिंदु ने आपसे शादी के बारे में कुछ कहा था। जब सुना है तो मुझसे क्यों पूछते हो। मैं पूछता हूँ तुम्हें भी बेवक्त आकर मुझे परेशान करना था। साफ साफ बताइए सच बात क्या है। तुम्हें क्या बताऊं खाक, मैं खुद नहीं समझा कि दुनिया में सच क्या और झूठ क्या है। दौलत दौलत का क्या, उसका बहाव तो दरिया की तरह बदलता रहता है। आज कोई छोटे से बड़ा हो गया तो कल बड़े से छोटा। मुझे अपनी बेटी को कुंवारी बिठा रखना मंजूर है लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं। लेकिन सुनिए राय, देव इज्जत के साथ चले जाओ यहां से, चले जाओ मैं कहता हूं। और रमा घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ मैं अपने आप से।
घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवान कर दे, मुझे जिंदगी दीवान कर दे। कहाँ से ये फरेब आरज़ू मुझको कहाँ लाया, जिसे मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया, हता दिल की है मैं शर्मा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवान कर दे, मुझे जिंदगी दीवान कर दे। से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं, अजब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं, खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ, गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवान कर दे, मुझे जिंदगी दीवान कर दे, दीवान कर दे, दीवान कर दे, दीवान कर दे, दीवान। समझ में नहीं आवत कि इस घर में क्या हो रहा है। उस दिन जब तुम राय साहब के घर गई रही, बाबू और नंदिनी बहुत देर कमरे में खुसर पुसर करत रहे, दरवाजा बंद करते। बाबू और नंदिनी में ऐसी कौन सी भेद की बात हुई सकत है? अपन को तो पूरा शक है कि नंदिनी और बाबू के रसोई में काम कर। भाभी इस घर की मालकिन है, हुक्म देकर चंदन को बाहर बुला सकते है, उन्हें बार बार रसोई में जाने की क्या जरूरत है? बुला रही हूँ।
मैंने सोचा शायद तुम सो रही होगी। क्या करूं, कोई मुझे सोने नहीं दे रहा है। अच्छा कौन है वो? है कोई जो मुझ में हलचल सी मचा रहा है। देखिए वो दिन गए जब मैं सिर्फ आप ही से प्यार करती थी, अब इस प्यार को बांधने वाला एक और भी आप पहुंचा है। एक और? हाँ देखो अभी वो सिर्फ मेरी ही पास है, कुछ दिनों के बाद वो आपकी गोद में भी खेलेगा। शादी कितने बरस बाद? शक हो रहा है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दिन रात फूल खिलते हैं और कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कई कई साल फूल नहीं लगते। ये कुदरत का कानून है। लेकिन मैंने कुछ बातें सुनी हैं, कुछ देखी भी हैं। क्या वो सब झूठ हैं? शक की निगाह फरिश्ते पर भी पड़े तो वह शैतान नजर आने लगता है। बिंदु सोना है, उसे परखने के लिए क्या आग में तपा कर देखोगे उसे? हीरा असली है या नकली, जौहरी आंख से पहचानता है, हीरे को तोड़ कर नहीं देखता। बिंदु तुम्हारा शक दूर कर सकती है, लेकिन क्या तुम उससे पूछ सकोगे कि वो पवित्र है या पवित्र? ऐसा पूछने से क्या उसका दिल न टूट जाएगा? औरत का दिल एक दर्पण की तरह होता है, उसमें एक बार बाल आ जाए तो वो फिर कभी जुड़ नहीं सकता। क्या खोए खोए से दिख रहे हैं आप? मैंने इतनी अच्छी बात बताई और आप पर कुछ असर ही नहीं? नहीं ये बात नहीं है, मैं तो सोच रहा था तुम पहली बार मां बनने वाली हो ना, अपना बहुत ख्याल रखना, ज्यादा ऊपर नीचे मत जाया करो, समझे? जी। किसका गीत गा रही है? फिल्म बरखा का जी, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? मैं रामायण गाता हूँ तो तू बालम आए बसों मेरे मन में गाना शुरू कर देती है। मैं गीता का पाठ करता हूँ तो तू वो क्या जादूगर सिंह छोड़ो मेरी बैया का पाठ आरम्भ कर देती है। आखिर तू ही बता तेरा मेरा सुर कैसे मिलेगा। हाँ ये टूटू किससे लाई है? पड़ोस से एक दिन के लिए मांग लाई थी। अच्छी बात है, मैं भी कहीं तबला मांग कर ले आता हूँ। तुम बाजा बजाना और हमारे बच्चे पाँव में घुंघरू बांधकर भरतनाट्यम नृत्य दिखाएंगे। अजीब बुढ़ापे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, कभी कभी दिल भी तो बहलाना चाहिए। मैं मर गया हूँ क्या दिल बहलाने के लिए जो बाजे की आवश्यकता पड़ गई? तुम भी तो सारा सारा दिन पाठशाला में रहते हो। तो क्या तुझको भी पाठशाला में ले जाऊं? घर के बच्चे तो संभाल नहीं सकती, पाठशाला के बच्चों का क्या करोगी? बोलो। डर किया नहीं जाता, ओ जाता है मेरी जान, डर किया नहीं जाता। क्या औलाद है, क्या औलाद है! घर में तो बैंड बाजा खोल देना चाहिए। ये सुन लिया ना अपने नौ निहालों को क्या वाणी बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वो तो राम जाने या तू जाने मैं के जानू, किंतु अब मुझे इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा। घर छोड़कर जाओगे कहाँ? मैं किसी मंदिर में हरि नाम का भजन कर लूंगा, मगर तू बच्चों को लेकर किसी फिल्म कंपनी में भर्ती हो जा। खबरदार फिर ऐसी ताने गले से निकाली तो गला दबा डालूंगा। चलो भागो यहाँ से, चलो बाहर जाओ, जाओ जाओ। जब देखो उठपटांग गाने गाते रहते हैं। ठीक ठीक ठीक। ओ प्रिय दर्शनी, ये बाजा जहाँ से लाई है वहीं देकर आओ। नहीं देकर आऊंगी, जा। नहीं देकर आओगी? नहीं 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 नहीं। ऐसा तो मैं भी इसको भी स्वर्ग पहुंचाता हूँ। अच्छा ये हिम्मत तुम्हारी? ठहरो मैं बताती हूँ। अरे तू तो क्या बताएगी? बताती हूँ। अरे क्या कर रही है? अरे मेरे बाप का माल है, क्या जहर लेकर आई है? अरे वो बच्चे जो जहर ले रहा है वो कर।
इदा, बात यह है कि पूर्णमासी के दिन मेरी पत्नी को जरा कुछ दौरा पड़ता है। हाँ, बोलो तुम्हें क्या काम है? शास्त्री जी, मेरी बीवी बीमार है शास्त्री जी। अरे फिर मरने दो उसको, घर के बर्तन तो बचेंगे। शास्त्री जी, आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? मेरी औरत की जिंदगी का सवाल है शास्त्री जी। वो तो राम जाने या तू जाने, मैं क्या जानू, किंतु औरत वो जो घर को स्वर्ग बनाए। अगर तुम्हारी औरत स्वर्ग बनाने वाली है तो दवा ले लो, नहीं तो छुट्टी होने दो उसकी। मेरी औरत देवी है, देवी शास्त्री जी, चलिए ना शास्त्री जी। देवी है तो चलो भाई, हमें भी देवी के दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। चलो चलो दवा ले लो इधर से। भैया अरे बेटा तू आ, मेरे बच्चे आ। क्या बात है, इस तरह लेटी हुई क्यों? अरे क्या बताऊं बेटा, खांसी और बुखार ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। खाना तो दूर रहा, पानी की बूंद तक गले से नहीं उतरती। लेकिन नंदिनी ने तो मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। कैसे करती भैया, पहले तुम इतने परेशान रहते हो और फिर ऐसी हालत में। कर भी क्या सकता हूँ, जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर बैठा हूँ, अब उनकी सजा भुगत रहा हूँ। तूने रात दिन एक करके, पसीना बहा बहा करके महल जैसा एक सुंदर सा घर बनाया है, लेकिन वो डायन जो है तुझे सुख की सांस भी नहीं लेने देती। मुझे तो इस बात का ख्याल भी आ जाता है बेटा तो आग सी लग जाती है। भैया मुझे भी तो भाभी को समझाने का कोई हक नहीं, इसलिए चुप रहते हूँ, लेकिन उस चंदन को तो एक पल भी घर में रखना पाप है। हाँ, उसे तो निकालना ही पड़ेगा। सीधी तरह ना निकालना बेटा, ऐसे नमक हराम को तो रंगे हाथों पकड़कर हाथ पांव तोड़ कर निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा करने में तो हमारी ही बदनामी है, दुनिया तो तमाशा देखती है, तरह तरह की बातें बनाएगी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता क्या करूं, जो सच मानू तो चैन नहीं और जो झूठ मानू तो कलेजा चले। न सांप है जिसे सांप समझकर कुचल डालूं और न रस्सी है जिसे रस्सी समझकर कूद जाऊं। मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का। बेटा तुमने अपने इज्जत की धोती कांटों पर सोखने डाली है, अब धीरे धीरे उठाना। हाँ, जो करना वो तो सोच समझ कर ही करना पड़ेगा। ठेकेदार साहब, आप यहाँ है? हम तो आपके घर होके आए। क्या काम? देखो भैया, ना तो हम तुम्हारे लिए नए हैं, ना तुम हमारे लिए, हमारी बात का बुरा ना मानना, अब तुम ही फैसला कर दो, इस घर में या तो ये रहेंगे या हम। बस इतनी सी बात है? हाँ। नंदिनी, तुम लोग अपना सामान बांध लो, माँ जी को साथ लेके हमारे घर चली आओ। जी। चमा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा है आपसे चाबियां ले आओ। जी ये लो। अम्मा ये घी है, घी हजम नहीं हुआ तो हाथ पांव से निकलेगा। बस बस टटर मत कर, बचपन से हम भी घी खाते आए हैं। हाँ, तो सूरज से पता चल रहे हैं। ए जा जा, बड़ा या घी वाला।
मुआ कहीं का। नंदिनी इस मुँह से ना उलझा कर, नौकर मुँह लग जाता है तो अपने आप को घर का मालिक समझने लग जाता है। मैं कुछ दिन पहले इस घर में आती तो इसे ठीक कर देती। खैर कोई बात नहीं, अब ठीक कर दूंगी। दीदी ये हमारे घर में नई नई सूरतें कौन है? तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? सिर्फ मैं ही नहीं सारा शहर ये जानना चाहता है। शहर वालों का क्या, राय का पहाड़ बनाना दुनिया का काम है। लेकिन कोई कारण तो होगा, किसी ने धुआं देखकर ये सोचा होगा कि आग जल रही है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें अपने अधिकार के लिए सब कुछ करना होगा। चार पंच बिठाओ और उन्हें ये फैसला करने दो कि इस घर की मालकिन तुम हो या वो कल की छोकरी। क्या बक रहे हो, कोई अपने भगवान को मुजरिम बनाकर कचहरी में खड़ा करता है? रामू घर उसी वक्त तक घर रहता है जब तक घर की बात घर में ही रहे। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दुनिया भर की उल्टी सीधी सुनता रहूं और अपना मुंह बंद रखूं? अगर मुंह बंद नहीं रख सकते तो दुनिया से कह दो जो अधिकार मेरा है मेरा है। अगर मुझे उनसे कुछ पूछना है तो मैं पूछूंगी। दीदी अब वो जमाना नहीं रहा कि औरत मर्द के जुल्म सहती जाए और फरियाद भी ना करे। आजकल औरत के अधिकार के लिए कानून है, अदालत है। और अगर मैं अदालत में जाकर ये कह दूं मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है तो कहां जाएगा वो कानून वो अदालत? तुम सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहना चाहती हो? हाँ मगर पूरा डब्बा खत्म हो गया, नगर को सूझता ही नहीं। अबे इसमें सूझने की क्या बात है, गोल्ड फ्लैग रमा से मोहब्बत करता है और रमा पे रामू ने डोरे डाल लिए हैं। इसका तो बस एक ही इलाज है। बता बता जल्दी से बता। ये देखा है पीरों का पीर? तो क्या रामू का खून? अबे आहिस्ता बोल, अगर आशिक है तो कुछ करके दिखा। अरे बालको यहाँ बैठे क्या हवा खा रहे हो? जय राम चरणजीव रहो चरणजीव रहो। अरे राजू ये तेरे हाथ में चाकू कैसा है? शास्त्री जी यूं ही आम काटने के लिए खरीदा है। वो तो राम जाने ये तुम जानो मैं क्या जानू, किंतु आम का मौसम तो अभी 6 महीने के बाद आने वाला है। लाओ देखूं जरा ये चाकू है। अरे मूर्ख किससे तो नारियल भी काटा जा सकता है। ए बालक ऐसा चाकू अपने पास नहीं रखते। शास्त्री जी खानाबदोश लड़की इधर से बेचारी जा रही थी सस्ते में दे गई। कितने में दे गई? यूं सिर्फ 8 आने में। 8 आने में? हाँ इससे ज्यादा दाम का होगा भी नहीं। ये 8 आने तुम मेरे से ले लो, ये चाकू मैं रखता हूँ। बात यह है कि आजकल चोरी चकारी का डर रहता है, सराहने रख कर सोऊंगा। जय सिया राम। अपने भैया से पूछ लिया तुमने? मैं समझता हूँ कि भैया इनकार नहीं करेंगे, और अगर 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर चला जाऊंगा मैं तो शायद रमा भी मुझे भूल जाए और राजू से शादी के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। हाँ दीदी मुझे 500 रुपये भी चाहिए। रामू इस वक्त तो मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकती। हाँ 2-4 दिन के बाद इंतजाम कर दूंगी। ताके कोई जाने ओ दीवाने, इतना ना सता के कोई जाने ओ दीवाने, आप जाके अब तो दिल न माने ओ दीवाने, आप जाके अब तो दिल न
दीवानी। गंगू, गंगू। ओ रामू, आओ आओ बैठो। सुना है तुम बंबई जा रहे हो? तुमसे किसने कहा? उठते उठते खबर यहां तक पहुंच गई। बंबई में क्या काम है? काम? काम तो कुछ भी नहीं, काम की तलाश में जा रहा हूं। अच्छा, तुम मन की शांति तलाश करने जा रहे हो? शायद तुम्हें यह ख्याल नहीं होगा कि तुम्हारे चले जाने से किसी और के दिल की बेचैनी बढ़ जाएगी। खैर, जा कब रहे हो? अभी सफर खर्च का इंतजाम नहीं हुआ, बस इसी इंतजार में। और अगर इंतजाम ना हुआ तो? इरादा होना चाहिए, रास्ता अपने आप मिल जाता है। किसी ना किसी तरह इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर इतनी ही उलझन है तो मैं डैडी से मशवरा करूंगी, शायद वही कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। तुम कल सुबह आ सकते हो? आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। देखो, रुपये का इंतजाम हो जाए तो चुपके से ना चले जाना। ऐसा नहीं होगा रमा। अच्छा सुनो, अभी घर जाकर करोगे भी क्या? तुम्हारे घर में तो आजकल झगड़े ही झगड़े हैं। थोड़ी देर यहीं बैठो ना, प्लीज। मैं घर नहीं जा रहा रमा, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ये क्या है रमा, आज मेहमान को चाय भी नहीं पिला? अरे मैं तो भूल ही गई, रामू चाय पीकर जाओ। नहीं रमा, इस वक्त दिल कुछ उखड़ा हुआ सा है, कल आऊंगा। अच्छा, अरे ओ धरती के बोझ, पंडताइन पहले ही नए जमाने की हवा में उड़ रही है, ऊपर से तू पंखा चलने आई है। ए शास्त्री जी, क्या शहर के सुख दुख की खबर अपनी पंडताइन को न बताऊं? वो तो राम जाने या तू जाने मैं क्या जानूं, किंतु मुझे इतना पता है कि तू इस शहर का चलता फिरता अखबार है। तेरे कानों में रेडियो है, आंखों में टेलीविजन है और मुंह में लाउड स्पीकर है। मेरा बस चले तो दशहरे के दिन तुम्हें रावण के पुतले पर बिठाकर नीचे से पटाखा छोड़ दूं। देखो शास्त्री जी, मैं कहती हूँ रेडियो रानी के मुंह न लगो। हाँ, मैं कोई लिपस्टिक हूँ जो तुम्हारे मुंह लगूंगा? चल यहाँ से, चलती नजर आ। ए, जा रही हूँ मैं, कोई खाने पीने आई हूँ। हाँ, थाली यहाँ छोड़ जा। राम 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 राम। पंडताइन, तुम्हें कितनी बार कहा है कि देख धाक कर दोस्ती किया कर, किसी बाइसिकल से दोस्ती रख, इस ट्रक से क्या मित्रताई जोड़ी है। हाय राम, तुम तो जाने खा लोगे मेरी। ताश तुम नहीं खेलने देते, हारमोनियम तुम नहीं बजाने देते, अब किसी से बात भी नहीं करूं क्या? वो तो राम जाने या तू जाने मैं क्या जानूं, किंतु पंडताइन जानती है तुम्हारे ये नौनिहाल कल चौक में खड़े क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताता हूँ। लक्ष्मण चल खड़ा हो जा, ज्योति तू भी, और बता अपने पूज्य माता जी को कल तुम क्या नाटक कर रहे थे चौक में, बोल। तुम माँ बन, मैं बापू बोलता हूँ। लो मैं माँ बन की थाली में बाजी डालू, कितना नमक है? कटले बाप ने नमक की दुकान खोल के रखा था। क्या कहा पंडित, हाथ का खाना बुरा लगता है तो होटल में खा लिया करो। हाँ हाँ, कल तू कहेगी होटल में तो दया करो, ये मत भूल। मेरे देते धर्म कलम के पक्के आर्मी ने युवाते शादी कर ली है। लक्ष्मण, खबरदार पंडताइन, अगर बच्चे को हाथ लगाया तो हर चीज की हद होती है। मुझे गुस्सा चढ़ गया तो सर्वनाश कर डालूंगा। बच्चे वैसा ही करेंगे जैसा देखेंगे। देखना चाहती है? छू मेरे चरण, छू। तुम्हारा पति जीता रहे 100 बरस तक। चल बेटे, बता बता तेरी माँ ने क्या किया है? देखा, अब भी आया दिमाग में या नहीं आया? जाओ बच्चों, जाओ जाओ खेलो, जाओ। वाह, जवाब नहीं, बच्चे के हाथ में अभी से अंग्रेजी कंगी दे दी है ताकि वो मेम बन जाए बड़ी होकर। देख पंडताइन, तू चाहती है कि बच्चे हमारे घर की बातें बाहर जाकर करें? मैं कब चाहती हूँ? ठीक है, बालम आए बसो, मेरे मन में गाएगी? नहीं गाऊंगी। चरण जीव रहो, ताश खेलेगी? नहीं खेलूंगी। चरण जीव रहो, प्रातः काल उठकर क्या करेगी? नहा धोकर गीता का पाठ करूंगी। चरण जीव रहो, दोपहर में क्या करेगी? तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी। बिल्कुल चरण जीव रहो, और शाम को क्या करोगी? चाय और मीठा बनाऊंगी। शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू स्त्री के लिए पहले पति और फिर परमेश्वर, तो तुम बिल्कुल शास्त्रानुसार चला करो मेरे साथ।
साथ जाकर गंगा जल लेकर थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क ले ताकि विचार शुद्ध हो जाए। कहाँ रखा है? वो तो राम जाने या तुम जानो, मैं क्या जानू, किंतु घर में ही होगा। अच्छा मैं जाऊं? जा, जा। जैसी ये आज है ऐसी भगवान पत्नी साहब को दे हैं। देखिए मैं राय साहब केदारनाथ बोल रहा हूँ। ओह राय साहब, कहिए कैसे याद फरमाया? आपको एक छोटी सी तकलीफ देना चाहता हूँ, मेरी लड़की रमा की अंगूठी उसकी अलमारी से गायब हो गई है। अच्छा, क्या कोई कीमती अंगूठी थी? ये कीमत तो खास ज्यादा नहीं, कोई 3-1 हजार की होगी, लेकिन वो अंगूठी बहुत दिनों से हमारे खानदान में चली आ रही है। बस यूँ समझिए कि हमारे लिए बहुत लकी है। एक बात बताइए, जब अंगूठी गायब हुई तब उस कमरे में और कौन कौन था? जी सिर्फ हमारी पुरानी नौकरानी गंगू थी, उसे पूछताछ की लेकिन वो कहती है उसको कुछ पता नहीं। वो इस वक्त घर में मौजूद है? जी नहीं, वो अपने घर चली गई। कहाँ रहती है वो? उसका घर चौक वाली धर्मशाला से एक घर छोड़ कर। आप फिक्र मत कीजिए राय साहब, मैं अभी तफ्तीश करता हूँ। कौन है घर में? राय साहब के घर में काम करती हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम गंगू है? जी हाँ। तो लाओ अंगूठी। अंगूठी? कौन सी अंगूठी? वही हीरे की अंगूठी जो रमा ने अलमारी में रखी थी। अगर इज्जत चाहती हो तो अपने आप अंगूठी हमारे हवाले कर दो। इज्जत? इज्जत तो अमीरों की होती है, गरीबों की कहाँ। गरीब हूँ इसलिए शक मुझ पे हो रहा है। क्या अंगूठी चुराते हुए आपने मुझे अपनी आंखों से देखा था, बस मेरे पीछे पड़ गए? उससे नहीं पूछा, वो भी तो था कमरे में, अमीर जो ठहरा, बड़े घर का लड़का है ना। तुम किसका जिक्र कर रही हो? उस ठेकेदार देवराज के साले रामू का। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों इस चोरी में एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। चलो हमारे साथ, हमें रामू का घर दिखाओ। लेकिन लेकिन वो घर पे नहीं होगा, वो कह रहा था वो किताब घर जा रहा। तो हमारे साथ किताब घर चलो। जी चलो चलो। चलती है रामू। क्या बात है गंगू? जब तुम घर पे थे उसी वक्त रमा की अंगूठी चोरी हुई थी। चोरी? माफ करना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन लेकिन आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? इस चोरी के सिलसिले में आप पर भी शक है। मुझ पर? मैं और रमा की अंगूठी चाहूंगा? इंस्पेक्टर साहब, क्या आप जानते नहीं मैं किस खानदान का आदमी हूँ? यही तो है वो अंगूठी। अंगूठी? ये अंगूठी मेरे पास कहां से आई? मैं सच कहता हूं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये बात क्या है? अंगूठी मुझे दे दीजिए। मिस्टर रामू, आप क्या सोचते हैं कि ये अंगूठी किसी ने चुपके से आपके जेब में डाल दी है? लेकिन वहां कोई और तो नहीं था? ठंडे दिल से जवाब दो रामू। गंगू, मेरे होशवास ठिकाने हैं, मैं रमा के घर से सीधा लाइब्रेरी आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं कहीं रास्ते में ठहरा नहीं, मेरी किसी से मुलाकात तक नहीं हुई। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए तो सही, आखिर तफ्तीश करना मेरी ड्यूटी है। आप मेरी चलिए चलिए। मैं हेलो इंस्पेक्टर स्पीकिंग। ओ इंस्पेक्टर रहमान, आदाबर आदाबर जनाब, कहिए। राय साहब, हमने आपकी अंगूठी ढूंढ निकाली है। शुक्रिया। पुलिस की नजर से चोर कहाँ छुप सकता था? सुनो तो सही, चोर शरीफ कौन थे? देवराज को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हरकत उसकी बीवी के भाई रामू ने की है। रामू? इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ राय साहब, अंगूठी उसकी जेब से निकली। ओह, अजीब है ये दुनिया, जिसकी तरफ प्यार से हाथ बढ़ाओ वही हाथ काटने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी अच्छी तालीम, इतनी अच्छी परवरिश और अंजाम चोरी। क्या हमारी अंगूठी मिल गई डैडी? हाँ बेटी मिल गई। क्या राजू ने चुराई थी?
राजू ने चुराई होती तो हैरानी की बात ही क्या थी। तो फिर कौन है चोर? लंका हमेशा घर का भेदी ही रहता है रमा, चोर कोई दूसरा नहीं अपना रामू है। रामू? नहीं डैडी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोग रामू के हाथ काट भी दे फिर भी उसके हाथ पराई चीज पे कभी नहीं पड़ेंगे। हाँ रमा, तुम क्यों मानने लगी? मुझ गरीब पर तो ऐसा इल्जाम लगा दिया गया जैसे सारी दुनिया ने मुझे चोरी करते हुए देखा था। आप मुझे चोर बना के इस घर से निकाल देंगे तो दुनिया में मेरा और कौन सा ठिकाना होगा? गंगू खामखा मुंह न बनाओ, किसने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया? आप ही ने तो कहा था कि जब चोरी हुई थी उस वक्त एक मैं ही घर पर थी। आप नहीं जानते थे कि उसी वक्त रामू भी घर पर होकर गया था। गंगू रामू का नाम मत लो। उसका नाम क्यों ना लूं? मेरे सामने पुलिस ने उसकी जेब से अंगूठी निकाली थी। जेब से तो क्या, अगर पुलिस रामू के शरीर के टुकड़े कर उसके अंदर से भी अंगूठी निकाले तो भी मैं नहीं मानूंगी। कल को कोई मुझसे ये कहते कि भगवान बुद्ध मांस खाते थे, महात्मा गांधी ने किसी को थप्पड़ मारा था तो क्या ये सब बातें मैं मानूंगी? इतनी लंबी चौड़ी बातें करने से क्या फायदा? अंगूठी चोरी हुई और रामू के जेब से निकली। जो सच है सो सच है। रमा ये मत भूलो कि बंबई के सफर के लिए उसके पास रुपया नहीं थे। मजबूरी चोरी तो क्या इंसान को कत्ल पर भी आमादा कर सकती है। लेकिन डैडी रामू को अंगूठी की नहीं रुपयों की जरूरत थी। अलमारी के जिस खाने से अंगूठी चोरी हुई है वहीं रुपए भी रखे हुए थे, फिर उसे अंगूठी चुराने की क्या जरूरत थी? आप फौरन पुलिस स्टेशन जाइए और रामू की जमानत देकर उसे यहाँ ले आइए। बेटी इसीलिए मैं तुमसे कहा करता हूँ कि हर काम अपने वक्त पर होना चाहिए। अगर उस दिन मेरा कहा मानकर तुमने अंगूठी पहनी होती तो आज ये फसाद ही क्यों होता? डैडी मैंने भी जो आपसे काम कहा है उसे पूरा करने का यही वक्त है। आप फौरन जाइए प्लीज डैडी प्लीज। अच्छा अच्छा बेटी जाता हूँ। आप अंदर जाकर मिल लीजिए। रामू। दीदी दीदी शर्म नहीं आती मुझे दीदी कहते हुए? दीदी क्या भाई तुम जैसे होते, सारे घर बार को तुमसे क्या क्या उम्मीदें थी, खूब नाम रोशन किया है तुमने। दीदी तुम भी मुझे उस नजर से देखने लगी जिस नजर से दुनिया देख रही है। मासूम बन रहे हो? जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे सफर खर्च का इंतजाम मैं कर दूंगी तो फिर जल्दी किस बात की थी? इतना भी सबर न कर सके, चोरी के सिवा और कोई रास्ता न था। ऐसा हो गया है तुम्हारा दिल। दीदी तुम मेरी बहन ही नहीं मेरी माँ भी, तुमने बचपन से मुझे अपने हाथों से पाला पोसा है। दीदी किसी के कहने पर कि मैंने अंगूठी चुराई है तुमने मुझे चोर समझ लिया, मुझे जानते हुए भी तुमने मुझे चोर ठहराया। तो क्या सचमुच तुमने चोरी नहीं की? तुम ही कहो दीदी, तुमने कभी अपने पति के बारे में बुरा सोचा है? कभी उससे बेवफाई की है? अगर ऐसा है तो मैं चोरी कर सकता हूँ दीदी, वरना मैंने चोरी नहीं की है। दीदी मैंने चोरी नहीं की है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम जैसी देवी का भाई हूँ दीदी, तुम्हारा भाई हूँ। तुम सच कह रहे हो, तुमने चोरी नहीं की, तुमने अंगूठी नहीं ली। मेरा विश्वास करो दीदी, मेरा विश्वास करो। अगर हर रात के बाद सुबह आती है तो मैं चोरी नहीं कर सकता, और अगर ये गलत है तो मैं चोर हो सकता हूँ। बस करो रामू बस करो। मैं जानती थी हमारे घर में ऐसा कोई नहीं हो सकता जो खानदान के नाम पर कलंक लगाए। रामू रामू मैं खुश हूँ, मेरा जी हल्का हो गया। मैं अभी जाकर सच्चाई को ढूंढ निकालती हूँ। तुम जेल से छूट जाओगे, कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठा सकेगा। मैं जाती हूँ रामू। हाँ भाई जमाने का रंग बदलते देर नहीं लगती। ठीक है लेकिन सुनी सुनाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे ये तो देवराज है। भैया देवराज पान खाओगे? हाँ नहीं। भैया देवराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गलत ना समझना। ओ, ऐसी क्या बात? सुना है तुम्हारे घरवाली के भाई ने हीरे की अंगूठी चुराई है। हीरे की है क्या? होश में तो हो? अजी हम तो होश में ही हैं। शायद तुम्हें इसकी खबर न मिली हो। तुम्हारा रामू ठेकेदार केदारनाथ के यहाँ से हीरे की अंगूठी चुरा कर ले आया है। अभी अभी तो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है, इसी रास्ते से तो गया है। पुलिस पकड़ कर ले गई इसी रास्ते से ले गई? और भैया देवराज हम तो ठहरे तुम्हारे आदमी, लेकिन दुनिया का क्या करोगे? दुनिया तो बाल की खाल निकालती है।
अभी कल एक तमाशबीन कह रहा था कि देवराज भी इस तरह एक मेट से बहुत बड़ा ठेकेदार हो गया। यानी ठल्ले बैठ के बेहुदा बातें करने के सिवा तुम्हें और कोई काम ही नहीं है। जैसे सारी दुनिया की इज्जत का ठेका तुम ही ने ले रखा हो। बेवकूफ कहीं जल्दी से पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। क्या है बेटे, ये चाय तो नहीं है? माँ ये तो ओल्टिन है, ओल्टिन बड़ी महंगी मिलती है। हाँ जल्दी से पी लो। वैसे और ला बेटी, बहुत अच्छी है। अच्छा नंदिनी, क्या है भैया? दुनिया कहाँ? दुनिया इधर उधर क्या देख रही हो, जवाब क्यों नहीं देती? हाँ कह दे ना बेटी, कह दे। भैया भाभी चुपके से चंदन के साथ 5 बजे चली गई थी, अभी तक तो वापस नहीं आई। वापस नहीं आई? अब गई है बेटा, तो इतने जल्दी वापस कैसे चली आएगी? राम जाने, इतने बड़े आदमी की बीवी को नौकर के साथ घूमते हुए देखकर लोग क्या कहेंगे। माँ छोड़ो उसकी बात को। भैया रामू के बारे में कुछ सुना? हाँ सुन चुका हूँ, सारे शहर में ढूंढा फिर चुका। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आज कुछ ना कुछ तो फैसला करके ही छोड़ो। ए, हेराम। क्या हुक्म बाबू? नमक हराम कुत्ते, चले यहाँ से। ये क्या? इसे क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, तो तुम इसे जाने देना नहीं चाहती ना? कैसे जाने दो? इस घर में एक ही तो है जो मुझे दुख दर्द में थोड़ी सी तसल्ली देता है। जानता हूँ, तुझे बहुत खुश रखता है, बहुत तसल्ली देता है। तो अभी तक ही खड़े शैतान के बच्चे। बाबू तुम्हें क्या हुई? क्या हो गया कभी इतनी ज्यादा ही नहीं? चंदन तू क्या देख रही है उसे? कहां थी अब तक? आप नहीं जानते मैं कहां गई। देखो सवाल जवाब मत करो, साफ साफ बताओ कहां गई थी। मैं कब कहां जाती हूँ? रामू पर झूठ मूठ चोरी का इल्जाम लगा है, पुलिस उसे थाने ले गई है, मैं उसी से मिलने गई। कोई झूठ मूठ इल्जाम नहीं लगा, उसने चोरी की है, पुलिस ने पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। तो क्या आप भी उसे चोर समझते? चोर क्या फरिश्ता समझू? आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी आंखें खुल रही हैं। अब मैं उसे इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगा। सुनिए, और कौन सा घर है उसका, कहां जाएगा वो? तुम समझती हो मैं अंधा हूं, बहरा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता? तुम दोनों भाई बहन किस बात में कम? तुम दोनों मिलकर इस घर को नहीं, सारे शहर को नीलाम कर सकते हो। देखो जब तक तुम यहां रहोगी वो भी यहां से टलने का नाम नहीं लेगा, इसलिए बेहतर यह कि तुम भी यहां से दफा हो जाओ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं चली जाऊं? लेकिन कहाँ चले जाऊँ, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बताऊँ तुम्हें, इसलिए तुम पतिता हो, गिरी हुई औरत हो, अब समझी? पतिता, गिरी हुई औरत मैं? हाँ हाँ तुम तुम तुम, सुना नहीं तुमने? जरा अपने दिल से पूछिए गिरा हुआ कौन है। नागिन कहीं की उल्टे मुझ पे लाचे लगा रही, दूर हो जा मेरी नजर से वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। चली जाए यहाँ से। आप मुझे मार डालिए, मेरे टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से जाने के लिए मत कहिए। मैं पतिता हूँ, नागिन हूँ, तो मुझे अपने पांव से कुचल डालिए, लेकिन जो कुछ करना है इस घर की चार दीवारों के अंदर। क्यों शोर मचाकर सारे मोहल्ले को सुनाना चाहती है? क्या घर गृहस्थ वाली औरत का यही चाल चले? कौन इसे घर गृहस्थी वाली औरत कहता है? ये तो मुझे मट्टी में मिलाने के लिए आई थी, ये चाहता है इसका खून कर दो और अपने आप को भी खत्म कर दो। भगवान आपको ये क्या हो गया है, बताइए मैंने क्या अपराध किया है? बताऊं तुम्हें? बताऊं अभी? बताऊं? फाइट मत करो, इस वक्त ये बहुत गुस्से में, तुम अब यहाँ ठहरोगे तो बहुत बड़ा आनंद हो जाएगा। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जा। हाँ? जा बिंदु, चली ही जाओ, इस वक्त चली जाओ। दीदी तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से, फौरन यहाँ से चले जाओ। जिसने तुम्हें बेटे की तरह पाला वो तुम्हें चोर समझता है, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, चले जाओ रामू। भैया तो क्या मैं आपकी नजरों में भी चोर हो गया? क्या आप भी मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं कि मैं इतना नीच और जलील काम कर सकता हूं? अरे बाबा मुझ में समझ है कहां? अगर मुझ में समझ होती तो तुम जैसे कमीनों का हाथ क्यों पकड़ता? एक नीच घराने की लड़की से शादी करके मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करता? भैया मुझ पर जो दोष लगाना है लगा लो, लेकिन हमारे खानदान के बारे में कुछ मत कहो। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, तुम लोग नीच हो, घटिया हो, कमीने हो। भैया किसी पर इल्जाम लगाना आसान है, अगर हिम्मत है तो साबित करके दिखाओ। वाह 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 छोकरे, आज तो मुझसे सबूत मांगने लायक भी हो गया है। रामू रामू चुप हो जाओ,
मेरी बात मान लो और चले जाओ यहाँ से। शर्म होती तो चला जाता, शर्म ना हो तो कैसे जाएगा। पाल पोस का तो मैंने बड़ा किया है, मगर खून तो इसी रगों में वही है जो तेरी रगों में है। सुन रही हो दीदी, सुन रही हो? रामू, जो कुछ भी सुन रही हूँ ये नहीं कह रही, इनसे कहलवाया जा रहा है। रामू रामू, तुम जाते क्यों नहीं? चला जाऊंगा दीदी, चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले भैया से एक बार ये समझ लूं कि नीच घराना किसे कहते हैं, और अगर ये मुझे न समझा सके तो मैं इन्हें समझाऊंगा कि नीच और कमीना कौन है। देखो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, जो समझना है खुद समझो, और जो समझाना अपनी बहन को समझाओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम चोर हो और वो एक वेश्या है। भैया, ये वेश्या है इसलिए कि इसने सब कुछ देखते हुए भी तुम्हारी हरकतों पर पर्दा डाले रखा, इसलिए कि अंदर ही अंदर अपनी आग में सुलगती रही और उस आग को भड़कने नहीं दिया कि कहीं के जलते हुए दिल की दुनिया को खबर ना हो जाए, कहीं तुम्हारी इज्जत में फर्क ना आ जाए, हैं? इसीलिए ये वेश्या है। वाह, चांद में दाग ढूंढने से पहले अपने गरीबान में मुंह डाल के देखा होता कि तुम क्या। छोड़ दे, छोड़ दे, इन पर हाथ उठाते शर्म नहीं आई तुझे? ये तेरे पिता की सामान है रामू। ये मेरे पिता सामान है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा, पहले तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगे और फिर वो गंदा शब्द वापस ले जो इन्होंने अभी अभी तुम्हारे लिए अपनी जबान से निकाला है। तुम्हें इससे क्या, मैं इनकी पत्नी हूँ, इनके चरणों के धूल हूँ, ये मुझे किसी नाम से पुकार सकते हैं? हाँ, एक पति की हैसियत तुम पर 100 जुल्म करे, तुम्हारी जान ले ले, मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन दीदी एक भाई ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बहन उसकी बहन को वेश्या कहकर न सिर्फ उस पर बल्कि उसके सारे खानदान और उसके आने वाली नस्ल पर हमेशा के लिए बदनामी का दाग लगा दे। अब तुमने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं समझूंगी तुमने अपनी बहन के सुहाग का मजाक उड़ाया। अगर तुम मेरे भाई हो तो चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, पहले अपने पति से कहो ये अपना वो गंदा लफ्ज वापस ले। रामू, वापस न लूं तो तू क्या करेगा? क्या करूंगा, मैं खून भी कर सकता हूँ। भूल गया, भूल गया जिसने तुझे गली से उठाकर महल में ला बिठाया, तू उस पर हाथ उठा रहा है। अगर ये न होते आज तू गलियों में मारा मारा फिरता और तेरी बहन दो वक्त पेट की आग बुझाने के लिए सिर्फ मट्टी के टुकड़े उठाए उठाए फिरती। पापी, तेरा हाथ इनके मुंह पर नहीं मेरी आत्मा पर पड़ा। तूने उस देवता पर हाथ उठाया जिसने तुझे रोटी दी, विद्या दी, मान दिया। दीदी, क्या करूं, खानदान की इज्जत खतरे में देखकर गैरत के जोश में मेरा हाथ उठ गया। क्या दुनिया में सिर्फ तेरी इज्जत है, इनकी नहीं? मुझे वेश्या कहते हुए ये भूल गए कि मैं इनकी पत्नी हूं। इस शब्द का पाप मुझे नहीं इन्हीं को लगेगा। अगर मैं इनसे पूछूं कि इन्होंने मेरी पवित्रता को क्यों गाली दी तो इनके पास कोई जवाब ना होगा, ये भी मैं जानती हूं। लेकिन ये सब पूछने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं। चले जाओ, चले जाओ। तब तक इस घर में कदम न रखना जब तक तुम अपने माथे से कलंक का टीका न मिटा दो। चले जाओ। अरे अरे रामू भैया, अरे क्या हाल भैया, अरे अरे अब क्या हुई? हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे महादेव, मेरे भैया का जरा ख्याल रखियो, हम अभी आवत है, अभी आवत है, हम अभी आवत, अभी आवत। दीदी, दीदी, तुम्हें हम क्यों आए? दीदी, रामू, रामू भैया, रामू को क्या हो गया? शहर के बाहर पहाड़ी के पास गिर के बेहोश हो गए। सच कह रहा हूँ दीदी, जब से घर छोड़े ने खाना नहीं खाए। दीदी, दीदी, रामू, शहर में क्या कम बातें हो रही है जो तुम खाना लेकर बाहर जा रही हो? हर बात में दखल मत दो, रास्ता चुको, रास्ता कैसे छोड़ दो? घर का मालिक घर में नहीं है,
वो आ जाएगा फिर किसी चीज को भी हाथ लगाना। तो क्या मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ? तुम लोगों को मुझे रोकने का क्या हक है? आए है क्या हक है? अरे इस घर पर तुझसे ज्यादा हमारा हक है। हक है तो तुम लोग मजे दे रहो, लेकिन मुझे क्यों रोकते हो? खाली हाथ जाती तो मैं नहीं रोकती। अच्छा, भूखी प्यासी तुम दोनों इस घर में आई थी और मैंने तुम लोगों को कितने प्यार से रखा, उसका ये बदला दे रही हूँ? अरे जाजा, इस घर में तेरी हैसियत ही क्या है जो तू किसी को खिला सकेगी? माँ, ये तो लोहे की बनी हुई औरत है, ना शर्म ना हया। इसकी जगह मैं होती तो कुएं में डूब कर मर जाती। देखा माँ, चंदन पहले से बाहर इंतजार कर रहा है। अच्छा, चंदन भैया चलो मेरे साथ। रामू मेरे भैया, रामू रामू मेरे भैया। तुम यहाँ? मैं तो घर से निकाला ही गया था, लेकिन लेकिन तुम भैया, समय खींच कर तुम्हारे पास ले आया। नाम खो दिया, घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या इसके बाद भी हमें इस दुनिया में जीने का अधिकार है दीदी? राम, मैं भी यही सोच रही हूँ। जितना अपने दिल से पूछती हूँ वो यही जवाब देता है कि मर जाओ मर जाओ। शायद मर गई होती, लेकिन लेकिन जब मैंने सुना कि तुम यहाँ भूखे प्यासे पड़े हो तो सोचा आखिरी बार तुमसे मिल लूं। तुम्हें भी ये पता चल जाए कि तुम्हारी दीदी इस दुनिया से जा रही है। दीदी, इस जिल्लत भरी दुनिया में मुझे छोड़कर तुम अकेली ही चली जाओगी? नहीं नहीं, हम एक ही डाली के फूल हैं, एक साथ खिले एक ही साथ मुरझाएंगे, एक ही साथ मुरझाएंगे। तुम ठीक कहते हो रामू, अब वो हम दोनों की लाशें देखेंगे तब उनको पता चल जाएगा हम क्या थे। हमने शिकायत भी न की और खामोशी से दुनिया से चले गए। लेकिन दीदी, लाशें दो होंगी और आत्माएं तीन। जानती हूँ रामू, कौन जाने मेरे पेट से जन्म लेने वाली लड़की हो वो जन्म लेकर भी इस दुनिया का क्या उद्धार करेगी? दुनिया तो यही समझेगी ये उस पापिन माँ की बेटी है जिसने अपने पति से दगा की। प्यार में आदमी अंधा हो जाता है बेटी। मैं भी तेरे बाप के साथ आई थी तो मेरे पास भी एक ही धोती थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। तू तो यूं ही डरती रहती है बेटी, अब कसर ही क्या रह गई है? बिंदु की बदनामी हो चुकी है, देवराज का दिल उसकी तरफ से बिल्कुल फिर गया, अब कसर क्या रहेगी? अब तो थोड़ा सा मिर्च मसाला और लगाना है बस, फिर हम दोनों माँ बेटी इस घर में राज करेंगे। लेकिन माँ, भैया उस दिन जिस तरह से रो रहे थे ना, उससे तो पता चलता है कि वो बिंदु को इतनी जल्दी नहीं भूल सकेंगे। और माँ, अगर हम किसी दिन पकड़े गए तो क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। नमक हराम हो बेटा, सच सच बताओ, आज तक जो जो कुछ तुमने मेरी बिंदु के खिलाफ कहा है वो सब झूठ था ना? हाँ, हमने तो जो देखा हूँ। अपनी आंखों से देखा तो इसीलिए अभी भी कह रही थी थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना बाकी। भैया, तुम समझते हो कि हम झूठे हैं? अगर हम झूठे होते तो चंदन का बच्चा यहाँ क्या लेने आता? चंदन, चंदन फिर यहाँ आया था? अब कैसे बताऊं बेटा, अकेला आया था और बिंदु को लेकर चला गया। कहाँ चला गया है? ये रहा चंदन। चंदन, बिंदिया कहाँ है? उससे क्या पूछते हैं,
मुझसे पूछिए, ये लीजिए खत। देखिए देखिए, एक औरत ने अपने दिल के लहू में उंगलियां डुबोकर क्या लिखा है। घर की दासी को मालकिन बना दिया और मालकिन को दासी को मालिक। तो क्या ये एक नौकरानी का लिबास है? बदन पे रेशमी कपड़े, गले में सोने की जंजीर, कानों में टॉप, ऊपर से ये चाबियों का गुच्छा। रमा, ये मेरी बहन है, मेरी बहन है। बहन? बहन? हाँ, मेरी सौतेली बहन है। इन लोगों पर रहम खाकर मैंने इन्हें घर में जगह दी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था इनकी तरफ मैंने प्यार से हाथ बढ़ाया, वो मेरा बाजू ही काट लेंगे। वहाँ बिंदु कहाँ है? मुझे बिंदु के पास ले चलो। कहाँ है बिंदु? बिंदु दीदी मंदिर वाली पहाड़ी पर गई है। देखा वक्त पर ये सब लोग कैसे मिल गए हैं बेटे। अब जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। चाबी ने तेरे पास है, जो कुछ हाथ लगे जल्दी से समेट ले। पहले मैं तुम्हें समेटूंगा, जिस थाली में खाती हूँ उसी थाली में थूकती हो। दीदी भैया आ रहे हैं। हाँ? भैया आ रहे हैं। अरे बिंदिया, तुम्हें कहाँ जा रहा है? अब भैया हमें नहीं बल्कि हमारी लाशों को देखेंगे। वो देखो, वो देखो, हमारी आखिरी मंजिल। आओ दीदी चलो चले आओ। अरे बिंदिया, तुम्हें कहाँ जा रहा है? रुक जा रामू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। क्या हमें चैन से मरने भी नहीं दोगे? देखो रामू, मैं तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ, तुम्हारे पैर पड़ने आया हूँ। रुक जाओ, हमारे पैर पड़ने आए हो? एक चोर के और एक वेश्या के? जाइए जाइए, आप बहुत शरीफ आदमी, आपको ये शोभा नहीं देता। ये सब किस्मत का हेर फेर था रामू, जाने किस बुरे वक्त की छाया में मैं तुम दोनों पे शक करने लग गया था। तो शक दूर कर लिया होता। शक दूर करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तुम्हें क्या बताऊं रामू, मुझे मुझे अपनी पत्नी की पवित्रता पर उतना ही अटल विश्वास था जितना सूरज के पूरे में उदय होने का। मैं अपने मन में जाने क्या क्या जहर घोलता रहा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल सका। आखिर इसी जहर ने मुझे अंधा कर दिया रामू, अंधा कर दिया। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हें अंधा कर दिया था तुम्हारी उस रखेल ने, उस चुड़ैल नंदिनी ने। बस बस रामू बस, मेरे जख्मों पे यूं नमक न छिड़को। नंदिनी मेरी रखेल नहीं है। हाँ हाल बताओ, उसकी माँ मेरे बच्चलन बाप की रखेल जरूर थी। नंदिनी मेरी सौतेली बहन है रामू। ये ऐसा राज है जो हजार बार मेरी जबान पर आके रुक गया। शर्म के मारे मैं कुछ बोल नहीं सका रामू। अब तो तुम्हें पता चल गया रामू, मेरे पास आओ बिंदु, बिंदु मेरे पास आओ रामू, बिंदु मेरे पास आओ। बिंदु दीदी, बिंदु दीदी लौट आओ, ये सब सुनने के बाद चीज अच्छी नहीं। बिंदु दीदी, बिंदु दीदी लौट आओ। रमा, औरत की इज्जत एक शीशे की तरह होती है, जो एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ सकता। अगर मैं वापस आ भी गई तो मेरा फिर बुरा हाल होगा। मैं घर से बाहर जाऊंगी तो ये शक करेंगे, मैं हंसूंगी तो ना जाने ये क्या क्या मतलब निकालेंगे। मैं नहीं लौट सकती रमा, नहीं लौट सकती। बिंदु जरा सोचो तो सही, राम जैसे अपराधी को भी सीता ने क्षमा कर दिया था। रामू, मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है, दुनिया भर के आगे मैं तुम्हारी तारीफें करता नहीं थकता था। मेरे रामू जैसा शरीफ कोई नहीं है, मेरे रामू जैसा अकलमंद कोई नहीं है, मेरे रामू जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। अगर फूटे मुंह से मैंने एक बार तुम्हें चोर कह दिया तो ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया जिसके लिए तुम मुझे माफी नहीं कर सकते? याद रखो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस चट्टान से सर फोड़कर अपनी जान दे दूंगा। बिंदु दीदी, बिंदिया, भाभी, भाभी, बिंदु दीदी, भाभी लौट आओ, भाभी, 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 भाभी माँ, लौट आओ भाभी, लौट आओ। अंगूठी मैंने चुराई थी, चोर मैं हूँ, रामू नहीं भाभी, रामू नहीं। देखो भाभी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें पुकार रहा है, क्या बच्चे की पुकार सुनकर भी तुम वापस नहीं लौटोगी भाभी? मेरे बेटे राजू, अगर अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो ये कलंक नहीं, दुनिया भर के कलंक अपने सिर पर लेने के लिए मैं तैयार हूँ राजू। भाभी, दीदी, रमा, भैया,
मुझे माफ करना भैया, गलती से ये हाथ उस दिन, मुझे माफ करना। वो तुम नहीं थे रामो, और जिसने तुम्हारी बहन पे इल्जाम लगाया था वो मैं नहीं था। भैया रामो जीते। अरे तू खड़ा क्या दे रहा है, चल आगे बढ़। जाओ जाओ प्रणाम करो बेटा। अरे पहले वहां भाभी के चरण छू। चिरंजीव जीते जैसे देवराज जी। ये आपके साथ है देव बाबू, बहुत खुश नसीब है आप। गाड़ी आज जरा लेट थी, वरना ये लोग आपके जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए होते। मैं इन दोनों को स्टेशन से गिरफ्तार करके लाया। लेकिन ये जेवर तो इन लोगों को हमने अपनी खुशी से दिए थे, है ना? हाँ हाँ याद आया इंस्पेक्टर साहब, ये जेवर इन्हें हमने अपनी खुशी से दिए थे। ऐसा ना कीजिए श्याम राजू, इनके पहुंचो। इसके कहा जो तुमसे, ये माँ राम जाने या तुम जानो मैं क्या जानूं, किंतु शादी डबल हुई है इसलिए दक्षिणा भी जरा डबल ही होनी चाहिए।